और आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक नई मूवी लक्ष्मी के स्टोरी और फैक्ट्स। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल मूवी हंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं कि भारतीय हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे राघव लोरेस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो हिंदी फिल्म उद्योग में इनके निर्देशक की पहली फिल्म है। अपने खुद की एक रीमेक तमिल फिल्म कंचना, इसे तारे अक्षय कुमार और किराना अडवाणी द्वारा मुख्य भूमिकाओं में, जबकि आशा राजा मिश्रा, राकेश शर्मा, अश्विनी कलसेकर और शरद केलकर निर्णायक भूमिकाओं निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जैसे एक ट्रांजिस्टर व्यक्ति के भूत का सामना करना पड़ता है। निर्देशक राघव लोरेस द्वारा निर्मित फॉक्स स्टार स्टूडियो के पॉप गॉड्स फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा लिखित राघव लोरेस फरहद सामजी स्पेशल छत्रपाल ताशा भामरा पर आधारित कंचना, अभिनीत अक्षय कुमार अडवाणी, संगीत दिया है अमर मोहिले, तनिष्क बागी, शीजे डीजे सुखी, उल्लू माती, छायांकन वेद्री पलानिमी, थंकाना कृष्णन रविचंद्र कुश चावड़िया द्वारा संपादित राकेश जी पांडे, उत्पादन कंपनी फोक स्टार स्टूडियो के पॉप गॉड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा वितरित डिज्नी प्लस हॉटस्टार। रिलीज की तारीख 19 नवंबर 2020, कार्यकारी समय 141 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। कुमार ने अपने के पॉप गॉड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत तुषार कपूर की नई लॉन्च की नई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और शबीना एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म का निर्माण किया। लॉरेंस ने फरहाद सामजी, आदर्श खेत्रपाल, ताशा भामरा के साथ पटकथा को सह लेखन किया। साथ ही सामजी ने हिंदी संस्करण की पटकथा और संवादों को अपनाया। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई। लक्ष्मी को मूल रूप से 22 मई 2020 को एक नाटकीय रिलीज के निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। बाद में इसे दुनिया भर में 9 नवंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया। इस प्रकार यह एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली बड़ी बजट वाली भारतीय फिल्म बन गई और थिएटर में रिलीज होने के दौरान भारत में नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हुई। संयुक्त अरब इमारात, फिजी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसे आलोचकों और दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। लेखक पटकथा कथन और अधिकांश प्रार्थनाओं की आलोचना की गई, हालांकि अक्षय कुमार और शरद केलकर की प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। आसिफ को भूतों पर विश्वास नहीं है, वह अपनी पत्नी रश्मि और अपने दिवंगत भाई के बेटे शान के साथ रहता है। वह रश्मि के माता पिता रतन और सचिन के घर उनकी रजत जयंती के लिए आमंत्रित है। रश्मि के पिता ने दंपत्ति और को अस्वीकार कर दिया क्योंकि रश्मि अपने माता पिता की अनुमति के बिना आसिफ के साथ रहने लगी थी, लेकिन उसकी माँ उनके प्रति दयालु है। पहुंचने पर आसिफ और उनके परिवार को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती है। वे रश्मि के भाई दीपक और उसकी पत्नी अश्विनी से मिलते हैं। आसिफ और शान का दौरा मैदान माना जाता है। जब वह मैदान के स्टंप लगा रहे थे तो स्टंप एक दबे शरीर से टकराता है, शरीर में रक्त स्टॉप और पर मिलता है और आसिफ उन्हें धोता है। खून को लेमन ग्रास प्लांट में फेंक दिया जाता है। रत्ना, अश्विनी और दीपक सभी को अलौकिक अनुभव है। रत्ना और अश्विनी एक पुजारी से मिलते हैं, वह उन्हें भूत की उपस्थिति को स्थापित करने के तीन तरीके बताता है।
जब उसने तीन चरणों का उल्लेख किया तो यह पुष्टि करता है कि घर में एक आत्मा है। आसिफ उसी पौधे के साथ एक लेमन ग्रास चाय बनाता है जहाँ रक्त रक्त धोया जाता है। जब वह इसे पीता है तो भूत उसके पास आया होता है और वह पवित्र काम करना शुरू कर देता है। परिवार उसका सामना करता है और यह पता चलता है कि तीन भूतों ने उसे रखा है। एक हिंसक ट्रांजिस्टर महिला, एक आदमी और एक मानसिक रूप से विकलांग लड़का। आसिफ का परिवार एक ओझा का को काम पर रखता है जो अपने शरीर से आत्मा को निकालता है। फंसी महिला का भूत उसकी कहानी का खुलासा करता है। लक्ष्मण शर्मा उर्फ लक्ष्मी एक ट्रांसजेंडर महिला है जिसे उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। उसे अब्दुल चाचा नामक एक व्यक्ति द्वारा आश्रय दिया जाता है जिसका बौद्धिक रूप से अक्षम बेटा है। यह देखते हैं कि वह डॉक्टर नहीं बन सकती, वह गीता नाम की एक ट्रांसजेंडर लड़की को गोद लेती है और उसकी आर्थिक मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब गीता विदेश में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए निकलती है तो लक्ष्मी एक कम भूखंड का निर्माण करने के लिए भूमि की खरीद करती है। कुख्यात विधायक गिरजा गैर कानूनी रूप से अपनी संपत्ति ले जाता है। लक्ष्मी गुस्से से गिरजा का सामना करती है जो उसे अब्दुल चाचा और उसके बेटे को मार देते हैं। मरने से पहले वह गिरजा उसकी पत्नी और उसके गुनों को मारने की कसम खाता है। शवों को लक्ष्मी की जमीन में दफनाया गया है। उसकी कहानी सुनने के बाद आसिफ को छू जाती है। खतरे को भापते हुए लक्ष्मी के पास एक बार फिर आसिफ के पास है क्योंकि लक्ष्मी गिरजा का सामना करती है और अपने को बुराई की तरह से निपटाना करती है। गिरजा देवी लक्ष्मी के मंदिर में शरण लेना चाहती है जो लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। आसिफ जबरन गिरजा को बाहर कर देता है और लक्ष्मी उसे मार देती है, उसका प्रतिशोध लेती है। कुछ महीनों बाद आसिफ ने लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार गीता के लिए अस्पताल का निर्माण किया। वह लक्ष्मी और उसके परिवार के साथ भी एकजुट हो जाता है। यह पता चला कि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने के लिए लक्ष्मी आसिफ के शरीर में सहजीवी रूप से मौजूद है। अक्षय कुमार के रूप में अक्षय कुमार, रश्मि राजपूत के रूप में कियारा आडवाणी, आसिफ की पत्नी के रूप में शरद केलकर, राजेश शर्मा, आयशा राजा मिश्रा, मनु ऋषि चड्डा, अश्विनी कलसेकर, तरुण अरोड़ा, प्राची शाह पांड्या, अद्वैत महाजन, विनीता जोशी, मीर सरवर, विजय उपसर। जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट के सुझाव दिया कि अक्षय कुमार कंचना के रीमेक में अभिनय करेंगे जो राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसके हिंदी संस्करण को प्रतवार करने के लिए भी साइन किया। इस प्रकार बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जबकि कियारा आडवाणी ने महिला प्रधान भूमिका निभाई। फिल्म में भूल भुलैया के एक दशक के बाद कुमार की हॉरर कॉमेडी शैली में वापसी हुई। सूत्रों का दावा किया कि फिल्म के मूल की तरह अलग होंगे। फराज सामजी जिन्होंने अभिनेता की हाउसफुल 4 का निर्देशक किया था, फिल्म के लिए पटकथा लिखी। सूत्रों के साथ दावा किया गया था कि इस काम को पूरा करने में 6 महीने लगे। इस फिल्म ने निर्माता के रूप में तुषार कपूर के अभिनय की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म के अधिकार खरीदे, अपने प्रोडक्शन हाउस को लाइसेंस दिया। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म का शीर्षक था लक्ष्मी बोम के रूप में प्रकट हुआ। कुमार मई 2019 को कुमार की विशेषता वाला यह पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 से शुरू हुई। राघव लॉरेंस के बाद यह फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। मई 2019 में फिल्म छोड़ दी क्योंकि कुमार ने उनसे सलाह किए बिना पहला लुक जारी किया। यह पता चला कि निर्देशक के पास पोस्टर में कोई क्रेडिट नहीं है, जिसके कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। जून 2019 में लॉरेंस ने
नए कुमार के साथ मुच्छों को सुलझाने के लिए के बाद निर्देशक के लिए अपनी वापसी की घोषणा की। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2019 में शुरू हुआ। गीत बुर्ज खलीफा, जिसमें अक्षय कुमार और कियारा थे, को जनवरी 2020 में दुबई में फिल्माया गया था। फिल्म का क्लाइमेक्स सीन मुंबई में शूट किया गया था 26 जनवरी 2020 को और फिल्मांकन 1 मार्च 2020 को शुरू हुआ। रिहा गीत संगीत रिहा 31 अक्टूबर 2020, रिकॉर्डेड 2019-2020। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 14 मिनट 55 सेकेंड्स, भाषा हिंदी, लेबल जी म्यूजिक कंपनी। फिल्म का संगीत तनिष्क बागी, शशि, डीजे सुखी और उलमती ने तैयार किया था, जबकि गीत लिखे थे वायु, गगन आहूजा, फरहाद सामजी और इलुमती ने। बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था। गीत बम भोले उसी नाम के गीत का रिमेक था, जिसे मूल कलाकार विरस और अलु वानाती, मूल गीत 2017 के एक्समे म्यूजिक नामक एक स्वतंत्र लेबल पर रिलीज किया गया था और यह एक सुपरहिट गीत है जिसके यूट्यूब पर 200 मिलियन से अधिक दृश्य हैं। गीत माता का जगराता गली बॉय के अपने समय आएगा, गदर का काला चश्मा और मुख्य निकेला लेके एक प्रेम कथा के गीतों का एक मिश्रण है। बुर्ज खलीफा, बम भोले, शुरू करे रोके, माता का जगरात, लक्ष्मी एक 2020 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे राघव लोरेस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो हिंदी फिल्म उद्योग में इनके निर्देशक की पहली फिल्म है। अपने खुद की एक रीमेक तमिल फिल्म कंचना, इसे तारे अक्षय कुमार और किराणा अडवाणी मुख्य भूमिकाओं में, जबकि आशा राजा मिश्रा, राकेश शर्मा, अश्विनी कलसेकर और शरद केलकर निर्णायक भूमिकाओं निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जैसे एक ट्रांजिस्टर व्यक्ति के भूत का सामना करना पड़ता है। निर्देशक राघव लोरेस द्वारा निर्मित फॉक्स स्टार स्टूडियो, कैप ऑफ गॉड्स फिल्म, सबीना एंटरटेनमेंट, तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा लिखित, राघव लॉरेंस, फरहद सामजी स्पेशल, छत्रपाल, ताशा भामरा पर आधारित कंचना, अभिनीत अक्षय कुमार अडवाणी, संगीत दिया है अमर मोहिले, तनिष्क बागी, शीजे डीजे सुखी, उल्लू माती, शायंकन वेद्री, पलानिमी थंकाना, कृष्णन रविचंद्र, खुश चावड़िया द्वारा संपादित, राकेश जी पांडे, उत्पादन कंपनी फोक स्टार स्टूडियो, केप ऑफ गॉड फिल्म, सबीना एंटरटेनमेंट, तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा वितरित, डिजनी प्लस हॉटस्टार, रिलीज की तारीख 19 नवंबर 2020, कार्यकारी समय 141 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। कुमार ने अपने केप ऑफ गॉड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत तुषार कपूर की नई लॉन्च की नई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और शबीना एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म का निर्माण किया। लॉरेंस ने फरहाद सामजी, आदर्श खेत्रपाल, ताशा भामरा के साथ पटकटा को सह लेखन किया। साथ ही सामजी ने हिंदी संस्करण की पटकथा और संवादों को अपनाया। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई। लक्ष्मी को मूल रूप से 22 मई 2020 को एक नाटकीय रिलीज के निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। बाद में इसे दुनिया भर में 9 नवंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया। इस प्रकार यह एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली बड़ी बजट वाली भारतीय फिल्म बन गई और थिएटर में रिलीज होने के दौरान भारत में नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हुई।
संयुक्त अरब इमारात, फिजी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसे आलोचकों और दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। लेखक पटकथा कथन और अधिकांश प्रार्थनाओं की आलोचना की गई, हालांकि अक्षय कुमार और शरद केलकर की प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। आसिफ को भूतों पर विश्वास नहीं है। वह अपनी पत्नी रश्मि और अपने दिवंगत भाई के बेटे शान के साथ रहता है। वह रश्मि के माता पिता रतन और सचिन के घर उनकी रजत जयंती के लिए आमंत्रित है। रश्मि के पिता ने दंपत्ति और को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि रश्मि अपने माता पिता की अनुमति के बिना आसिफ के साथ रहने लगी थी। लेकिन उसकी माँ उनके प्रति दयालु है। पहुँचने पर आसिफ और उनके परिवार को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती है। वे रश्मि के भाई दीपक और उसकी पत्नी अश्विनी से मिलते हैं। आसिफ और शान का दौरा मैदान माना जाता है। जब वह मैदान के स्टंप लगा रहे थे तो स्टंप एक दबे शरीर से टकराता है। शरीर में रक्त स्टॉप पर मिलता है और आसिफ उन्हें धोता है। खून को लेमन ग्रास प्लांट में फेंक दिया जाता है। रत्ना, अश्विनी और दीपक सभी को अलौकिक अनुभव है। रत्ना और अश्विनी एक पुजारी से मिलते हैं। वह उन्हें भूत की उपस्थिति को स्थापित करने के तीन तरीके बताता है। जब उसने तीन चरणों का उल्लेख किया तो यह पुष्टि करता है कि घर में एक आत्मा है। आसिफ उसी पौधे के साथ एक लेमन ग्रास चाय बनाता है, जहाँ रक्त धोया जाता है। जब वह इसे पीता है तो भूत उसके पास आया होता है और वह पवित्र काम करना शुरू कर देता है। परिवार उसका सामना करता है और यह पता चलता है कि तीन भूतों ने उसे रखा है। एक हिंसक ट्रांजिस्टर महिला, एक आदमी और एक मानसिक रूप से विकलांग लड़का। आसिफ का परिवार एक ओझा का को काम पर रखता है, जो अपने शरीर से आत्मा को निकालता है। फंसी महिला का भूत उसकी कहानी का खुलासा करता है। लक्ष्मण शर्मा उर्फ लक्ष्मी एक ट्रांसजेंडर महिला है, जिसे उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। उसे अब्दुल चाचा नामक एक व्यक्ति द्वारा आश्रय दिया जाता है, जिसका बौद्धिक रूप से अक्षम बेटा है। यह देखते हुए कि वह डॉक्टर नहीं बन सकती, वह गीता नाम की एक ट्रांसजेंडर लड़की को गोद लेती है और उसकी आर्थिक मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब गीता विदेश में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए निकलती है तो लक्ष्मी एक कम भूखंड का निर्माण करने के लिए भूमि की खरीद करती है। कुख्यात विधायक गिरजा गैर कानूनी रूप से अपनी संपत्ति ले जाता है। लक्ष्मी गुस्से से गिरजा का सामना करती है, जो उसे अब्दुल चाचा और उसके बेटे को मार देते हैं। मरने से पहले वह गिरजा उसकी पत्नी और उसके गुनों को मारने की कसम खाता है। शवों को लक्ष्मी की जमीन में दफनाया गया है। उसकी कहानी सुनने के बाद आसिफ को छू जाती है। खतरे को भापते हुए लक्ष्मी के पास एक बार फिर आसिफ के पास है, क्योंकि लक्ष्मी गिरजा का सामना करती है और अपने को बुराई की तरह से निपटाना करती है। गिरजा देवी लक्ष्मी के मंदिर में शरण लेना चाहती है, जो लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। आसिफ जबरन गिरजा को बाहर कर देता है और लक्ष्मी उसे मार देती है, उसका प्रतिशोध लेती है। कुछ महीनों बाद आसिफ ने लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार गीता के लिए अस्पताल का निर्माण किया। वह लक्ष्मी और उसके परिवार के साथ भी एकजुट हो जाता है। यह पता चला कि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने के लिए लक्ष्मी आसिफ के शरीर में सहजीवी रूप से मौजूद है। अक्षय कुमार के रूप में अक्षय कुमार, रश्मि राजपूत के रूप में कियारा आडवाणी, आसिफ की पत्नी के रूप में शरद केलकर, राजेश शर्मा, आयशा राजा मिश्रा, मनु ऋषि चड्ढा, अश्विनी कलसेकर, तरुण अरोड़ा, प्राची शाह पांड्या, अद्वैत महाजन, विनीता जोशी, मीर सरवर, विजय उपसर। जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट के सुझाव दिया कि अक्षय कुमार कंचना के रीमेक में अभिनय करेंगे, जो राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसके
हिंदी संस्करण को प्रतवार करने के लिए भी साइन किया। इस प्रकार बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जबकि कियारा एडवाइन ने महिला प्रधान भूमिका निभाई। फिल्म में भूल भुलैया के एक दशक के बाद कुमार की हॉरर कॉमेडी शैली में वापसी हुई। सूत्रों का दावा किया कि फिल्म के मूल की तरह अलग होंगे। फराज सामजी जिन्होंने अभिनेता की हाउसफुल 4 का निर्देशक किया था, फिल्म के लिए पटकथा लिखी। सूत्रों के साथ दावा किया गया था कि इस काम को पूरा करने में 6 महीने लगे। इस फिल्म ने निर्माता के रूप में तुषार कपूर के अभिनय की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म के अधिकार खरीदे, अपने प्रोडक्शन हाउस को लाइसेंस दिया। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म का शीर्षक था लक्ष्मी बोम के रूप में प्रकट हुआ। कुमार मई 2019 को कुमार की विशेषता वाला यह पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 से शुरू हुई। रागल ओवेस के बाद यह फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। मई 2019 में फिल्म छोड़ दी क्योंकि कुमार ने उनसे सलाह किए बिना पहला लुक जारी किया। यह पता चला कि निर्देशक के पास पोस्टर में कोई क्रेडिट नहीं है, जिसके कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। जून 2019 में लोरिस ने कुमार के साथ मुच्छों को सुलझाने के लिए के बाद निर्देशक के लिए अपनी वापसी की घोषणा की। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2019 में शुरू हुआ। गीत बुर्ज खलीफा, जिसमें अक्षय कुमार और कियारा थे, को जनवरी 2020 में दुबई में फिल्माया गया था। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन मुंबई में शूट किया गया था 26 जनवरी 2020 को और फिल्मांकन 1 मार्च 2020 को शुरू हुआ। रिहा गीत संगीत रिहा 31 अक्टूबर 2020 रिकॉर्डेड 2019-2020 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 14 मिनट 57 सेकंड्स भाषा हिंदी लेबल जी म्यूजिक कंपनी। फिल्म का संगीत तनिष्क बागी शशि डीजे सुखी और उल मती ने तैयार किया था, जबकि गीत लिखे थे वायु गगन आहूजा फरहाद सामजी और इलुमती ने। बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था। गीत बम बोले उसी नाम के गीत का रिमेक था, जिसे मूल कलाकार विरस और अलू बनाती मूल गीत 2017 के एक्समे म्यूजिक नामक एक स्वतंत्र लेबल पर रिलीज किया गया था और यह एक सुपरहिट गीत है, जिसके यूट्यूब पर 200 मिलियन से अधिक दृश्य हैं। गीत माता का जगराता गली बॉय के अपने समय आएगा, गदर का काला चश्मा और मुख्य निकेला लेके एक प्रेम कथा के गीतों का एक मिश्रण है। बुर्ज खलीफा बम भोले शुरू करे रोके माता का जगरात लक्ष्मी एक 2020 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे राघव लोरेस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो हिंदी फिल्म उद्योग में इनके निर्देशक की पहली फिल्म है। अपने खुद की एक रीमेक तमिल फिल्म कंचना, इसे तारे अक्षय कुमार और किराना अडवाणी द्वारा मुख्य भूमिकाओं में, जबकि आशा राजा मिश्रा राकेश शर्मा अश्विनी कलसेकर और शरद केलकर निर्णायक भूमिकाओं निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जैसे एक ट्रांजिस्टर व्यक्ति के भूत का सामना करना पड़ता है। निर्देशक राघव लोरेस द्वारा निर्मित फॉक्स स्टार स्टूडियो कैप ऑफ गॉड्स फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा लिखित राघव लोरेस फरहद सामजी स्पेशल क्षेत्रपाल ताशा भामरा पर आधारित कंचना, अभिनीत अक्षय कुमार अडवाणी, संगीत दिया है अमर मोहिले तनिष्क बागी शीजे डीजे सुखी उल्लू माती शायंकन वेद्री पलानिमी थंकाना कृष्णन रविचंद्र खुश चावड़िया द्वारा संपादित राकेश जी पांडे उत्पादन कंपनी फोक्स स्टार स्टूडियो केप ऑफ गॉड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा वितरित डिजनी प्लस हॉटस्टार
रिलीज की तारीख 19 नवंबर 2020, कार्यकारी समय 141 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। कुमार ने अपने केप ऑफ गॉड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत तुषार कपूर की नई लॉन्च की नई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और शबीना एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म का निर्माण किया। लॉरेंस ने फरहाद सामजी, आदर्श खेत्रपाल, ताशा भांबरा के साथ पटकटा को सह लेखन किया। साथ ही सामजी ने हिंदी संस्करण की पटकथा और संवादों को अपनाया। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई। लक्ष्मी को मूल रूप से 22 मई 2020 को एक नाटकीय रिलीज के निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। बाद में इसे दुनिया भर में 9 नवंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया। इस प्रकार यह एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली बड़ी बजट वाली भारतीय फिल्म बन गई और थिएटर में रिलीज होने के दौरान भारत में नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हुई। संयुक्त अरब इमारात, फिजी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसे आलोचकों और दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। लेखक पटकथा कथन और अधिकांश प्रार्थनाओं की आलोचना की गई, हालांकि अक्षय कुमार और शरद केलकर की प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। आसिफ को भूतों पर विश्वास नहीं है, वह अपनी पत्नी रश्मि और अपने दिवंगत भाई के बेटे शान के साथ रहता है। वह रश्मि के माता पिता रतन और सचिन के घर उनकी रजत जयंती के लिए आमंत्रित है। रश्मि के पिता ने दंपत्ति और को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि रश्मि अपने माता पिता की अनुमति के बिना आसिफ के साथ रहने लगी थी, लेकिन उसकी माँ उनके प्रति दयालु है। पहुँचने पर आसिफ और उनके परिवार को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती है। वे रश्मि के भाई दीपक और उसकी पत्नी अश्विनी से मिलते हैं। आसिफ और शान का दौरा मैदान माना जाता है। जब वह मैदान के स्टंप लगा रहे थे तो स्टंप एक दबे शरीर से टकराता है, शरीर में रक्त स्टॉप पर मिलता है और आसिफ उन्हें धोता है। खून को लेमन ग्रास प्लांट में फेंक दिया जाता है। रत्ना, अश्विनी और दीपक सभी को अलौकिक अनुभव है। रत्ना और अश्विनी एक पुजारी से मिलते हैं, वह उन्हें भूत की उपस्थिति को स्थापित करने के तीन तरीके बताता है। जब उसने तीन चरणों का उल्लेख किया तो यह पुष्टि करता है कि घर में एक आत्मा है। आसिफ उसी पौधे के साथ एक लेमन ग्रास चाय बनाता है, जहां रक्त धोया जाता है। जब वह इसे पीता है तो भूत उसके पास आया होता है और वह पवित्र काम करना शुरू कर देता है। परिवार उसका सामना करता है और यह पता चलता है कि तीन भूतों ने उसे रखा है, एक हिंसक ट्रांजिस्टर महिला, एक आदमी और एक मानसिक रूप से विकलांग लड़का। आसिफ का परिवार एक ओझा का को काम पर रखता है जो अपने शरीर से आत्मा को निकालता है। फंसी महिला का भूत उसकी कहानी का खुलासा करता है। लक्ष्मण शर्मा उर्फ लक्ष्मी एक ट्रांसजेंडर महिला है, जिसे उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। उसे अब्दुल चाचा नामक एक व्यक्ति द्वारा आश्रय दिया जाता है, जिसका बौद्धिक रूप से अक्षम बेटा है। यह देखते हुए कि वह डॉक्टर नहीं बन सकती, वह गीता नाम की एक ट्रांसजेंडर लड़की को गोद लेती है और उसकी आर्थिक मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब गीता विदेश में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए निकलती है तो लक्ष्मी एक कम भूखंड का निर्माण करने के लिए भूमि की खरीद करती है। कुख्यात विधायक गिरजा गैर कानूनी रूप से अपनी संपत्ति ले जाता है। लक्ष्मी गुस्से से गिरजा का सामना करती है, जो उसे अब्दुल चाचा और उसके बेटे को मार देते हैं। मरने से पहले वह गिरजा उसकी पत्नी और उसके गुनों को मारने की कसम खाता है। शवों को लक्ष्मी की जमीन में दफनाया गया है। उसकी कहानी सुनने के बाद आसिफ को छू जाती है। खतरे को भापते हुए लक्ष्मी के पास एक बार फिर आसिफ के पास है।
क्योंकि लक्ष्मी गिरजा का सामना करती है और अपने को बुराई की तरह से निपटाना करती है। गिरजा देवी लक्ष्मी के मंदिर में शरण लेना चाहती है, जो लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। आसिफ जबरन गिरजा को बाहर कर देता है और लक्ष्मी उसे मार देती है, उसका प्रतिशोध लेती है। कुछ महीनों बाद आसिफ ने लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार गीता के लिए अस्पताल का निर्माण किया। वह लक्ष्मी और उसके परिवार के साथ भी एकजुट हो जाता है। यह पता चला कि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने के लिए लक्ष्मी आसिफ के शरीर में सहजीवी रूप से मौजूद है। अक्षय कुमार के रूप में अक्षय कुमार, रश्मि राजपूत के रूप में कियारा आडवाणी, आसिफ की पत्नी के रूप में शरद केलकर, राजेश शर्मा, आयशा राजा मिश्रा, मनु ऋषि चड्ढा, अश्विनी कलसेकर, तरुण अरोड़ा, प्राची शाह पांड्या, अद्वैत महाजन, विनीता जोशी, मीर सरवर, विजय उपसर। जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट के सुझाव दिया कि अक्षय कुमार कंचना के रीमेक में अभिनय करेंगे, जो राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसके हिंदी संस्करण को प्रतवार करने के लिए भी साइन किया। इस प्रकार बॉलीवुड में अपने शुरुआत की, जबकि कियारा आडवाणी ने महिला प्रधान भूमिका निभाई। फिल्म में भूल भुलैया के एक दशक के बाद कुमार की हॉरर कॉमेडी शैली में वापसी हुई। सूत्रों का दावा किया कि फिल्म के मूल की तरह अलग होंगे। फराज सामजी, जिन्होंने अभिनेता की हाउसफुल 4 का निर्देशक किया था, फिल्म के लिए पटकथा लिखी। सूत्रों के साथ दावा किया गया था कि इस काम को पूरा करने में 6 महीने लगे। इस फिल्म ने निर्माता के रूप में तुषार कपूर के अभिनय की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म के अधिकार खरीदे, अपने प्रोडक्शन हाउस को लाइसेंस दिया। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म का शीर्षक था लक्ष्मी बॉम्ब के रूप में प्रकट हुआ। कुमार मई 2019 को कुमार की विशेषता वाला यह पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 से शुरू हुई। राघव लॉरेंस के बाद यह फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। मई 2019 में फिल्म छोड़ दी क्योंकि कुमार ने उनसे सलाह किए बिना पहला लुक जारी किया। यह पता चला कि निर्देशक के पास पोस्टर में कोई क्रेडिट नहीं है, जिसके कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। जून 2019 में लॉरेंस ने कुमार के साथ मुच्छों को सुलझाने के लिए के बाद निर्देशक के लिए अपनी वापसी की घोषणा की। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2019 में शुरू हुआ। गीत बुर्ज खलीफा, जिसमें अक्षय कुमार और कियारा थे, को जनवरी 2020 में दुबई में फिल्माया गया था। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन मुंबई में शूट किया गया था 26 जनवरी 2020 को और फिल्मांकन 1 मार्च 2020 को शुरू हुआ। रिहा गीत संगीत, रिहा 31 अक्टूबर 2020 रिकॉर्डेड 2019-2020 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 14 मिनट 57 सेकंड्स, भाषा हिंदी, लेबल जी म्यूजिक कंपनी। फिल्म का संगीत तनिष्क बागी, शशि, डीजे सुखी और उलमती ने तैयार किया था, जबकि गीत लिखे थे वायु, गगन आहूजा, फरहाद सामजी और इलुमती ने। बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था। गीत बम बोले उसी नाम के गीत का रीमेक था, जिसे मूल कलाकार विरस और अलू बनाती मूल गीत 2017 के एक्समे म्यूजिक नामक एक स्वतंत्र लेबल पर रिलीज किया गया था और यह एक सुपरहिट गीत है, जिसके यूट्यूब पर 200 मिलियन से अधिक दृश्य हैं। गीत माता का जगराता गली बॉय के अपने समय आएगा, गदर का काला चश्मा और मुख्य निकेला लेके एक प्रेम कथा के गीतों का एक मिश्रण है। बुर्ज खलीफा, बम भोले, शुरू करे रोके, माता का जगरात, लक्ष्मी एक 2020 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे राघव लॉरेंस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था।
जो हिंदी फिल्म उद्योग में इनके निर्देशक की पहली फिल्म है। अपने खुद की एक रीमेक तमिल फिल्म कंचना, इसे तारे अक्षय कुमार और किरारा अडवाणी द्वारा मुख्य भूमिकाओं में, जबकि आशा राजा मिश्रा, राकेश शर्मा, अश्विनी कलसेकर और शरद केलकर निर्णायक भूमिकाओं निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जैसे एक ट्रांजिस्टर व्यक्ति के भूत का सामना करना पड़ता है। निर्देशक राघव लोरेस द्वारा निर्मित फॉक्स स्टार स्टूडियो कैप ऑफ गॉड्स फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा लिखित राघव लॉरेंस, फरहद सामजी स्पेशल, छत्रपाल ताशा भामरा पर आधारित कंचना, अभिनीत अक्षय कुमार अडवाणी, संगीत दिया है अमर मोहिले, तनिष्क बागी, शीजे डीजे सुखी, उल्लू माती, शायंकन वेद्री, पलानिमी थंकाना, कृष्णन रविचंद्र, कुश चावड़िया द्वारा संपादित राकेश जी पांडे, उत्पादन कंपनी फोक स्टार स्टूडियो केप ऑफ गॉड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा वितरित डिजनी प्लस हॉटस्टार। रिलीज की तारीख 19 नवंबर 2020, कार्यकारी समय 141 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। कुमार ने अपने केप ऑफ गॉड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ के तहत तुषार कपूर की नई लॉन्च की नई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और शबीना एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म का निर्माण किया। लॉरेंस ने फरहाद सामजी, आदर्श खेत्रपाल, ताशा भामरा के साथ पटकथा को सह लेखन किया। साथ ही सामजी ने हिंदी संस्करण की पटकथा और संवादों को अपनाया। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई। लक्ष्मी को मूल रूप से 22 मई 2020 को एक नाटकीय रिलीज के निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। बाद में इसे दुनिया भर में 9 नवंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया। इस प्रकार यह एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली बड़ी बजट वाली भारतीय फिल्म बन गई और थिएटर में रिलीज होने के दौरान भारत में नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हुई। संयुक्त अरब इमारात, फिजी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसे आलोचकों और दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। लेखक पटकथा कथन और अधिकांश प्रार्थनाओं की आलोचना की गई, हालांकि अक्षय कुमार और शरद केलकर की प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। आसिफ को भूतों पर विश्वास नहीं है, वह अपनी पत्नी रश्मि और अपने दिवंगत भाई के बेटे शान के साथ रहता है। वह रश्मि के माता पिता रतन और सचिन के घर उनकी रजत जयंती के लिए आमंत्रित है। रश्मि के पिता ने दंपत्ति और को अस्वीकार कर दिया क्योंकि रश्मि अपने माता पिता की अनुमति के बिना आसिफ के साथ रहने लगी थी, लेकिन उसकी माँ उनके प्रति दयालु है। पहुंचने पर आसिफ और उनके परिवार को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती है। वे रश्मि के भाई दीपक और उसकी पत्नी अश्विनी से मिलते हैं। आसिफ और शान का दौरा मैदान माना जाता है। जब वह मैदान के स्टंप लगा रहे थे तो स्टंप एक दबे शरीर से टकराता है, शरीर में रक्त स्टॉप पर मिलता है और आसिफ उन्हें धोता है। खून को लेमन ग्रास प्लांट में फेंक दिया जाता है। रत्ना, अश्विनी और दीपक सभी को अलौकिक अनुभव है। रत्ना और अश्विनी एक पुजारी से मिलते हैं, वह उन्हें भूत की उपस्थिति को स्थापित करने के 3 तरीके बताता है। जब उसने 3 चरणों का उल्लेख किया तो यह पुष्टि करता है कि घर में एक आत्मा है। आसिफ उसी पौधे के साथ एक लेमन ग्रास चाय बनाता है जहाँ रक्त रक्त धोया जाता है। जब वह इसे पीता है तो भूत उसके पास आया होता है और वह पवित्र काम करना शुरू कर देता है। परिवार उसका सामना करता है और यह पता चलता है कि 3 भूतों ने उसे रखा है, एक हिंसक ट्रांजिस्टर महिला, एक
आदमी और एक मानसिक रूप से विकलांग लड़का। आसिफ का परिवार एक ओझा का को काम पर रखता है जो अपने शरीर से आत्मा को निकालता है। फंसी हुई महिला का भूत उसकी कहानी का खुलासा करता है। लक्ष्मण शर्मा उर्फ लक्ष्मी एक ट्रांसजेंडर महिला है जिसे उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। उसे अब्दुल चाचा नामक एक व्यक्ति द्वारा आश्रय दिया जाता है जिसका बौद्धिक रूप से अक्षम बेटा है। यह देखते हुए कि वह डॉक्टर नहीं बन सकती, वह गीता नाम की एक ट्रांसजेंडर लड़की को गोद लेती है और उसकी आर्थिक मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब गीता विदेश में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए निकलती है तो लक्ष्मी एक कम भूखंड का निर्माण करने के लिए भूमि की खरीद करती है। कुख्यात विधायक गिरजा गैर कानूनी रूप से अपनी संपत्ति ले जाता है। लक्ष्मी गुस्से से गिरजा का सामना करती है जो उसे अब्दुल चाचा और उसके बेटे को मार देते हैं। मरने से पहले वह गिरजा उसकी पत्नी और उसके गुनों को मारने की कसम खाता है। शवों को लक्ष्मी की जमीन में दफनाया गया है। उसकी कहानी सुनने के बाद आसिफ को छू जाती है। खतरे को भापते हुए लक्ष्मी के पास एक बार फिर आसिफ के पास है क्योंकि लक्ष्मी गिरजा का सामना करती है और अपने को बुराई की तरह से निपटाना करती है। गिरजा देवी लक्ष्मी के मंदिर में शरण लेना चाहती है जो लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। आसिफ जबरन गिरजा को बाहर कर देता है और लक्ष्मी उसे मार देती है, उसका प्रतिशोध लेती है। कुछ महीनों बाद आसिफ ने लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार गीता के लिए अस्पताल का निर्माण किया। वह लक्ष्मी और उसके परिवार के साथ भी एकजुट हो जाता है। यह पता चला कि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने के लिए लक्ष्मी आसिफ के शरीर में सहजीवी रूप से मौजूद है। अक्षय कुमार के रूप में अक्षय कुमार, रश्मि राजपूत के रूप में कियारा आडवाणी, आसिफ की पत्नी के रूप में शरद केलकर, राजेश शर्मा, आयशा राजा मिश्रा, मनु ऋषि चड्ढा, अश्विनी कलसेकर, तरुण अरोड़ा, प्राची शाह पांड्या, अद्वैत महाजन, विनीता जोशी, मीर सरवर, विजय उपसर। जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट के सुझाव दिया कि अक्षय कुमार कंचना के रीमेक में अभिनय करेंगे जो राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसके हिंदी संस्करण को प्रतवार करने के लिए भी साइन किया। इस प्रकार बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जबकि कियारा आडवाणी ने महिला प्रधान भूमिका निभाई। फिल्म में भूल भुलैया के एक दशक के बाद कुमार की हॉरर कॉमेडी शैली में वापसी हुई। सूत्रों का दावा किया कि फिल्म के मूल की तरह अलग होंगे। फराज सामजी जिन्होंने अभिनेता की हाउसफुल 4 का निर्देशक किया था, फिल्म के लिए पटकथा लिखी। सूत्रों के साथ दावा किया गया था कि इस काम को पूरा करने में 6 महीने लगे। इस फिल्म ने निर्माता के रूप में तुषार कपूर के अभिनय की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म के अधिकार खरीदे, अपने प्रोडक्शन हाउस को लाइसेंस दिया। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म का शीर्षक था लक्ष्मी बॉम्ब के रूप में प्रकट हुआ। कुमार मई 2019 को कुमार की विशेषता वाला यह पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 से शुरू हुई। राघव लॉरेंस के बाद यह फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। मई 2019 में फिल्म छोड़ दी क्योंकि कुमार ने उनसे सलाह किए बिना पहला लुक जारी किया। यह पता चला कि निर्देशक के पास पोस्टर में कोई क्रेडिट नहीं है, जिसके कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। जून 2019 में लॉरेंस ने कुमार के साथ मुच्छों को सुलझाने के बाद निर्देशक के लिए अपनी वापसी की घोषणा की। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2019 में शुरू हुआ। गीत बुर्ज खलीफा, जिसमें अक्षय कुमार और कियारा थे, को जनवरी 2020 में दुबई में फिल्माया गया था। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन मुंबई में शूट किया गया था 26 जनवरी 2020 को और फिल्मांकन 1 मार्च 2020 को शुरू हुआ। रिहा
गीत संगीत रिहा 31 अक्टूबर 2020, रिकॉर्डेड 2019-2020, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 14 मिनट 55 सेकेंड्स, भाषा हिंदी, लेबल जी म्यूजिक कंपनी। फिल्म का संगीत तनिष्क बागी, शशि, डीजे सुखी और उलमती ने तैयार किया था, जबकि गीत लिखे थे वायु, गगन आहूजा, फरहाद सामजी और इलुमती ने। बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था। गीत बम बोले उसी नाम के गीत का रीमेक था, जिसे मूल कलाकार विरस और अलू बनाती। मूल गीत 2017 के एक्समे म्यूजिक नामक एक स्वतंत्र लेबल पर रिलीज किया गया था और यह एक सुपरहिट गीत है जिसके यूट्यूब पर 200 मिलियन से अधिक दृश्य हैं। गीत माता का जगराता गली बॉय के अपने समय आएगा, गदर का काला चश्मा और मुख्य निकेला लेके एक प्रेम कथा के गीतों का एक मिश्रण है। बुर्ज खलीफा, बम भोले, शुरू करे रोके, माता का जगरात, लक्ष्मी एक 2020 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे राघव लोरेस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो हिंदी फिल्म उद्योग में इनके निर्देशक की पहली फिल्म है। अपने खुद की एक रीमेक तमिल फिल्म कंचना, इसे तारे अक्षय कुमार और किराणा अडवाणी मुख्य भूमिकाओं में, जबकि आशा राजा मिश्रा, राकेश शर्मा, अश्विनी कलसेकर और शरद केलकर निर्णायक भूमिकाओं निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जैसे एक ट्रांजिस्टर व्यक्ति के भूत का सामना करना पड़ता है। निर्देशक राघव लोरेस द्वारा निर्मित फॉक्स स्टार स्टूडियो कैप ऑफ गॉड्स फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट द्वारा लिखित राघव लोरेस फरहद सामजी स्पेशल छत्रपाल ताशा भामरा पर आधारित कंचना, अभिनीत अक्षय कुमार अडवाणी, संगीत दिया है अमर मोहिले, तनिष्क बागी, श्रीजय डीजे सुखी, उल्लू माती, शयंकन वेद्री, पलानिमी थंकाना, कृष्णन रविचंद्र, खुश चावड़िया द्वारा संपादित, राकेश जी पांडे, उत्पादन कंपनी फोक्स स्टार स्टूडियो, केप ऑफ गॉड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा वितरित, डिजनी प्लस हॉटस्टार, रिलीज की तारीख 19 नवंबर 2020, कार्यकारी समय 141 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। कुमार ने अपने केप ऑफ गॉड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत तुषार कपूर की नई लॉन्च की नई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और शबीना एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म का निर्माण किया। लोरेस ने फरहाद सामजी, आदर्श खेत्रपाल, ताशा भामरा के साथ पटकटा को सह लेखन किया। साथ ही सामजी ने हिंदी संस्करण की पटकथा और संवादों को अपनाया। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई। लक्ष्मी को मूल रूप से 22 मई 2020 को एक नाटकीय रिलीज के निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। बाद में इसे दुनिया भर में 9 नवंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया। इस प्रकार यह एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली बड़ी बजट वाली भारतीय फिल्म बन गई और थिएटर में रिलीज होने के दौरान भारत में नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हुई। संयुक्त अरब इमारात, फिजी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसे आलोचकों और दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। लेखक पटकथा कथन और अधिकांश प्रार्थनाओं की आलोचना की गई, हालांकि अक्षय कुमार और शरद केलकर की प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। आसिफ को भूतों पर विश्वास नहीं है, वह अपनी पत्नी रश्मि और अपने दिवंगत भाई के बेटे शान के साथ रहता है। वह रश्मि के माता पिता रतन और सचिन के घर उनकी रजत जयंती के लिए आमंत्रित है।
रश्मि के पिता ने दंपत्ति और को अस्वीकार कर दिया क्योंकि रश्मि अपने माता पिता की अनुमति के बिना आसिफ के साथ रहने लगी थी, लेकिन उसकी माँ उनके प्रति दयालु है। पहुँचने पर आसिफ और उनके परिवार को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती है। वे रश्मि के भाई दीपक और उसकी पत्नी अश्विनी से मिलते हैं। आसिफ और शान का दौरा मैदान माना जाता है। जब वह मैदान के स्टंप लगा रहे थे तो स्टंप एक दबे शरीर से टकराता है। शरीर में रक्त स्टॉप पर मिलता है और आसिफ उन्हें धोता है। खून को लेमन ग्रास प्लांट में फेंक दिया जाता है। रत्ना, अश्विनी और दीपक सभी को अलौकिक अनुभव है। रत्ना और अश्विनी एक पुजारी से मिलते हैं। वह उन्हें भूत की उपस्थिति को स्थापित करने के 3 तरीके बताता है। जब उसने 3 चरणों का उल्लेख किया तो यह पुष्टि करता है कि घर में एक आत्मा है। आसिफ उसी पौधे के साथ एक लेमन ग्रास चाय बनाता है जहाँ रक्त रक्त धोया जाता है। जब वह इसे पीता है तो भूत उसके पास आया होता है और वह पवित्र काम करना शुरू कर देता है। परिवार उसका सामना करता है और यह पता चलता है कि 3 भूतों ने उसे रखा है। एक हिंसक ट्रांजिस्टर महिला, एक आदमी और एक मानसिक रूप से विकलांग लड़का। आसिफ का परिवार एक ओझा का को काम पर रखता है जो अपने शरीर से आत्मा को निकालता है। फंसी महिला का भूत उसकी कहानी का खुलासा करता है। लक्ष्मण शर्मा उर्फ लक्ष्मी एक ट्रांसजेंडर महिला है जिसे उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। उसे अब्दुल चाचा नामक एक व्यक्ति द्वारा आश्रय दिया जाता है जिसका बौद्धिक रूप से अक्षम बेटा है। यह देखते हुए कि वह डॉक्टर नहीं बन सकती, वह गीता नाम की एक ट्रांसजेंडर लड़की को गोद लेती है और उसकी आर्थिक मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब गीता विदेश में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए निकलती है तो लक्ष्मी एक कम भूखंड का निर्माण करने के लिए भूमि की खरीद करती है। कुख्यात विधायक गिरजा गैर कानूनी रूप से अपनी संपत्ति ले जाता है। लक्ष्मी गुस्से से गिरजा का सामना करती है जो उसे अब्दुल चाचा और उसके बेटे को मार देते हैं। मरने से पहले वह गिरजा उसकी पत्नी और उसके गुनों को मारने की कसम खाता है। शवों को लक्ष्मी की जमीन में दफनाया गया है। उसकी कहानी सुनने के बाद आसिफ को छू जाती है। खतरे को भापते हुए लक्ष्मी के पास एक बार फिर आसिफ के पास है क्योंकि लक्ष्मी गिरजा का सामना करती है और अपने को बुराई की तरह से निपटाना करती है। गिरजा देवी लक्ष्मी के मंदिर में शरण लेना चाहती है जो लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। आसिफ जबरन गिरजा को बाहर कर देता है और लक्ष्मी उसे मार देती है, उसका प्रतिशोध लेती है। कुछ महीनों बाद आसिफ ने लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार गीता के लिए अस्पताल का निर्माण किया। वह लक्ष्मी और उसके परिवार के साथ भी एकजुट हो जाता है। यह पता चला कि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने के लिए लक्ष्मी आसिफ के शरीर में सहजीवी रूप से मौजूद है। अक्षय कुमार के रूप में अक्षय कुमार, रश्मि राजपूत के रूप में कियारा आडवाणी, आसिफ की पत्नी के रूप में शरद केलकर, राजेश शर्मा, आयशा राजा मिश्रा, मनु ऋषि चड्डा, अश्विनी कलसेकर, तरुण अरोड़ा, प्राची शाह पांड्या, अद्वैत महाजन, विनीता जोशी, मीर सरवर, विजय उपसर। जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट के सुझाव दिया कि अक्षय कुमार कंचना के रीमेक में अभिनय करेंगे जो राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसके हिंदी संस्करण को प्रतवार करने के लिए भी साइन किया। इस प्रकार बॉलीवुड में अपने शुरुआत की, जबकि कियारा आडवाणी ने महिला प्रधान भूमिका निभाई। फिल्म में भूल भुलैया के एक दशक के बाद कुमार की हॉरर कॉमेडी शैली में वापसी हुई। सूत्रों का दावा किया कि फिल्म के मूल की तरह अलग होंगे। फराज सामजी जिन्होंने अभिनेता की हाउसफुल 4 का निर्देशक किया था,
फिल्म के लिए पटकथा लिखी। सूत्रों के साथ दावा किया गया था कि इस काम को पूरा करने में 6 महीने लगे। इस फिल्म ने निर्माता के रूप में तुषार कपूर के अभिनय की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म के अधिकार खरीदे, अपने प्रोडक्शन हाउस को लाइसेंस दिया। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म का शीर्षक था लक्ष्मी बोम के रूप में प्रकट हुआ। कुमार मई 2019 को कुमार की विशेषता वाला यह पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 से शुरू हुई। रागल लोवेस के बाद यह फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। मई 2019 में फिल्म छोड़ दी क्योंकि कुमार ने उनसे सलाह किए बिना पहला लुक जारी किया। यह पता चला कि निर्देशक के पास पोस्टर में कोई क्रेडिट नहीं है, जिसके कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। जून 2019 में लोरिस ने कुमार के साथ मुच्छों को सुलझाने के बाद निर्देशक के लिए अपनी वापसी की घोषणा की। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2019 में शुरू हुआ। गीत बुर्ज खलीफा, जिसमें अक्षय कुमार और कियारा थे, को जनवरी 2020 में दुबई में फिल्माया गया था। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन मुंबई में शूट किया गया था 26 जनवरी 2020 को और फिल्मांकन 1 मार्च 2020 को शुरू हुआ। रिहा गीत संगीत रिहा 31 अक्टूबर 2020 रिकॉर्डेड 2019-2020 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 14 मिनट 57 सेकंड्स भाषा हिंदी लेबल जी म्यूजिक कंपनी। फिल्म का संगीत तनिष्क बागी शशि डीजे सुखी और उलमती ने तैयार किया था, जबकि गीत लिखे थे वायु गगन आहूजा फरहाद सामजी और इलुमती ने। बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था। गीत बम बोले उसी नाम के गीत का रिमेक था, जिसे मूल कलाकार विरस और अलू बनाती मूल गीत 2017 के एक्समे म्यूजिक नामक एक स्वतंत्र लेबल पर रिलीज किया गया था और यह एक सुपरहिट गीत है जिसके यूट्यूब पर 200 मिलियन से अधिक दृश्य हैं। गीत माता का जगराता गली बॉय के अपने समय आएगा, गदर का काला चश्मा और मुख्य निकेला लेके एक प्रेम कथा के गीतों का एक मिश्रण है। बुर्ज खलीफा बम भोले शुरू करे रोके माता का जगरात लक्ष्मी 1 2020 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे राघव लोरेस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो हिंदी फिल्म उद्योग में इनके निर्देशक की पहली फिल्म है। अपने खुद की एक रीमेक तमिल फिल्म कंचना, इसे तारे अक्षय कुमार और किराणा अडवाणी मुख्य भूमिकाओं में, जबकि आशा राजा मिश्रा राकेश शर्मा अश्विनी कलसेकर और शरद केलकर निर्णायक भूमिकाओं निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जैसे एक ट्रांजिस्टर व्यक्ति के भूत का सामना करना पड़ता है। निर्देशक राघव लोरेस द्वारा निर्मित फॉक्स स्टार स्टूडियो कैप ऑफ गॉड्स फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट द्वारा लिखित राघव लोरेस फरहद सामजी स्पेशल छत्रपाल ताशा भामरा पर आधारित कंचना, अभिनीत अक्षय कुमार अडवाणी, संगीत दिया है अमर मोहिले तनिष्क बागी शीजे डीजे सुखी उल्लू माती शयंकन वेद्री पलानिमी थंकाना कृष्णन रविचंद्र कुश चावड़िया द्वारा संपादित राकेश जी पांडे उत्पादन कंपनी फोक्स स्टार स्टूडियो केप ऑफ गॉड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा वितरित डिजनी प्लस हॉटस्टार रिलीज की तारीख 19 नवंबर 2020 कार्यकारी समय 141 मिनट देश भारत भाषा हिंदी। कुमार ने अपने केप ऑफ गॉड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत तुषार कपूर की नई लॉन्च की नई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और शबीना एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म का निर्माण किया। लोरेस ने फरहाद सामजी आदर्श खेत्रपाल ताशा
भांबरा के साथ पटकथा को सह लेखन किया। साथ ही समजी ने हिंदी संस्करण की पटकथा और संवादों को अपनाया। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई। लक्ष्मी को मूल रूप से 22 मई 2020 को एक नाटकीय रिलीज के निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। बाद में इसे दुनिया भर में 9 नवंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया। इस प्रकार यह एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली बड़ी बजट वाली भारतीय फिल्म बन गई और थिएटर में रिलीज होने के दौरान भारत में नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हुई। संयुक्त अरब इमारात, फिजी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसे आलोचकों और दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। लेखक पटकथा कथन और अधिकांश प्रार्थनाओं की आलोचना की गई, हालांकि अक्षय कुमार और शरद केलकर की प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। आसिफ को भूतों पर विश्वास नहीं है। वह अपनी पत्नी रश्मि और अपने दिवंगत भाई के बेटे शान के साथ रहता है। वह रश्मि के माता पिता रतन और सचिन के घर उनकी रजत जयंती के लिए आमंत्रित है। रश्मि के पिता ने दंपत्ति और को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि रश्मि अपने माता पिता की अनुमति के बिना आसिफ के साथ रहने लगी थी, लेकिन उसकी माँ उनके प्रति दयालु है। पहुँचने पर आसिफ और उनके परिवार को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती है। वे रश्मि के भाई दीपक और उसकी पत्नी अश्विनी से मिलते हैं। आसिफ और शान का दौरा मैदान माना जाता है। जब वह मैदान के स्टंप लगा रहे थे तो स्टंप एक दबे शरीर से टकराता है, शरीर में रक्त स्टॉप पर मिलता है और आसिफ उन्हें धोता है। खून को लेमन ग्रास प्लांट में फेंक दिया जाता है। रत्ना, अश्विनी और दीपक सभी को अलौकिक अनुभव है। रत्ना और अश्विनी एक पुजारी से मिलते हैं। वह उन्हें भूत की उपस्थिति को स्थापित करने के तीन तरीके बताता है। जब उसने तीन चरणों का उल्लेख किया तो यह पुष्टि करता है कि घर में एक आत्मा है। आसिफ उसी पौधे के साथ एक लेमन ग्रास चाय बनाता है, जहां रक्त धोया जाता है। जब वह इसे पीता है तो भूत उसके पास आया होता है और वह पवित्र काम करना शुरू कर देता है। परिवार उसका सामना करता है और यह पता चलता है कि तीन भूतों ने उसे रखा है, एक हिंसक ट्रांजिस्टर महिला, एक आदमी और एक मानसिक रूप से विकलांग लड़का। आसिफ का परिवार एक ओझा का को काम पर रखता है जो अपने शरीर से आत्मा को निकालता है। फंसी महिला का भूत उसकी कहानी का खुलासा करता है। लक्ष्मण शर्मा उर्फ लक्ष्मी एक ट्रांसजेंडर महिला है, जिसे उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। उसे अब्दुल चाचा नामक एक व्यक्ति द्वारा आश्रय दिया जाता है, जिसका बौद्धिक रूप से अक्षम बेटा है। यह देखते हुए कि वह डॉक्टर नहीं बन सकती, वह गीता नाम की एक ट्रांसजेंडर लड़की को गोद लेती है और उसकी आर्थिक मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब गीता विदेश में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए निकलती है तो लक्ष्मी एक कम भूखंड का निर्माण करने के लिए भूमि की खरीद करती है। कुख्यात विधायक गिरजा गैर कानूनी रूप से अपनी संपत्ति ले जाता है। लक्ष्मी गुस्से से गिरजा का सामना करती है, जो उसे अब्दुल चाचा और उसके बेटे को मार देते हैं। मरने से पहले वह गिरजा उसकी पत्नी और उसके गुनों को मारने की कसम खाता है। शवों को लक्ष्मी की जमीन में दफनाया गया है। उसकी कहानी सुनने के बाद आसिफ को छू जाती है। खतरे को भापते हुए लक्ष्मी के पास एक बार फिर आसिफ के पास है, क्योंकि लक्ष्मी गिरजा का सामना करती है और अपने को बुराई की तरह से निपटाना करती है। गिरजा देवी लक्ष्मी के मंदिर में शरण लेना चाहती है, जो लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। आसिफ जबरन गिरजा को बाहर कर देता है और लक्ष्मी उसे मार देती है, उसका प्रतिशोध लेती है। कुछ महीनों बाद आसिफ ने लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार
गीता के लिए अस्पताल का निर्माण किया। वह रश्मि और उसके परिवार के साथ भी एकजुट हो जाता है। यह पता चला कि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने के लिए लक्ष्मी आसिफ के शरीर में सहजीवी रूप से मौजूद है। अक्षय कुमार के रूप में अक्षय कुमार, रश्मि राजपूत के रूप में कियारा आडवाणी, आसिफ की पत्नी के रूप में शरद केलकर, राजेश शर्मा, आयशा राजा मिश्रा, मनु ऋषि चड्ढा, अश्विनी कलसेकर, तरुण अरोड़ा, प्राची शाह पांड्या, अद्वैत महाजन, विनीता जोशी, मीर सरवर, विजय उपसर। जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट के सुझाव दिया कि अक्षय कुमार कंचना के रीमेक में अभिनय करेंगे, जो राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसके हिंदी संस्करण को प्रतवार करने के लिए भी साइन किया। इस प्रकार बॉलीवुड में अपने शुरुआत की, जबकि कियारा आडवाणी ने महिला प्रधान भूमिका निभाई। फिल्म में भूल भुलैया के एक दशक के बाद कुमार की हॉरर कॉमेडी शैली में वापसी हुई। सूत्रों का दावा किया कि फिल्म के मूल की तरह अलग होंगे। फराज सामजी, जिन्होंने अभिनेता की हाउसफुल 4 का निर्देशक किया था, फिल्म के लिए पटकथा लिखी। सूत्रों के साथ दावा किया गया था कि इस काम को पूरा करने में 6 महीने लगे। इस फिल्म ने निर्माता के रूप में तुषार कपूर के अभिनय की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म के अधिकार खरीदे, अपने प्रोडक्शन हाउस को लाइसेंस दिया। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म का शीर्षक था लक्ष्मी बॉम्ब के रूप में प्रकट हुआ। कुमार मई 2019 को कुमार की विशेषता वाला यह पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 से शुरू हुई। राघव लॉरेंस के बाद यह फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। मई 2019 में फिल्म छोड़ दी क्योंकि कुमार ने उनसे सलाह किए बिना पहला लुक जारी किया। यह पता चला कि निर्देशक के पास पोस्टर में कोई क्रेडिट नहीं है, जिसके कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। जून 2019 में लॉरेंस ने कुमार के साथ मूछों को सुलझाने के बाद निर्देशक के लिए अपनी वापसी की घोषणा की। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2019 में शुरू हुआ। गीत बुर्ज खलीफा, जिसमें अक्षय कुमार और कियारा थे, को जनवरी 2020 में दुबई में फिल्माया गया था। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन मुंबई में शूट किया गया था 26 जनवरी 2020 को और फिल्मांकन 1 मार्च 2020 को शुरू हुआ। रिहा गीत संगीत, रिहा 31 अक्टूबर 2020, रिकॉर्डेड 2019-2020, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 14 मिनट 57 सेकंड्स, भाषा हिंदी, लेबल जी म्यूजिक कंपनी। फिल्म का संगीत तनिष्क बागी, शशि, डीजे सुखी और उल मती ने तैयार किया था, जबकि गीत लिखे थे वायु, गगन आहूजा, फरहाद सामजी और इलुमती ने। बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था। गीत बम बोले उसी नाम के गीत का रीमेक था, जिसे मूल कलाकार विरस और अलू बनाती मूल गीत 2017 के एक्समे म्यूजिक नामक एक स्वतंत्र लेबल पर रिलीज किया गया था और यह एक सुपरहिट गीत है, जिसके यूट्यूब पर 200 मिलियन से अधिक दृश्य हैं। गीत माता का जगराता गली बॉय के अपने समय आएगा, गदर का काला चश्मा और मुख्य निकेला लेके एक प्रेम कथा के गीतों का एक मिश्रण है। बुर्ज खलीफा, बम भोले, शुरू करे रोके, माता का जगरात, लक्ष्मी एक 2020 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे राघव लॉरेंस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो हिंदी फिल्म उद्योग में इनके निर्देशक की पहली फिल्म है। अपने खुद की एक रीमेक तमिल फिल्म कंचना, इसे तारे अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी मुख्य भूमिकाओं में, जबकि आशा राजा मिश्रा, राकेश शर्मा, अश्विनी कलसेकर और शरद केलकर निर्णायक
भूमिकाओं निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जैसे एक ट्रांजिस्टर व्यक्ति के भूत का सामना करना पड़ता है। निर्देशक राघव लोरेस द्वारा निर्मित फॉक्स स्टार स्टूडियो कैप ऑफ गॉड्स फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा लिखित राघव लोरेस फरहद सामजी स्पेशल छत्रपाल ताशा भामरा पर आधारित कंचना अभिनीत अक्षय कुमार अडवाणी संगीत दिया है अमर मोहिले तनिष्क बागी शीजे डीजे सुखी उल्लू माती शयंकन वेद्री पलानिमी थंकाना कृष्णन रविचंद्र कुश चावड़िया द्वारा संपादित राकेश जी पांडे उत्पादन कंपनी फोक स्टार स्टूडियो केप ऑफ गॉड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा वितरित डिजनी प्लस हॉटस्टार रिलीज की तारीख 19 नवंबर 2020 कार्यकारी समय 141 मिनट देश भारत भाषा हिंदी। कुमार ने अपने केप ऑफ गॉड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत तुषार कपूर की नई लॉन्च की नई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और शबीना एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म का निर्माण किया। लोरेस ने फरहाद सामजी आदर्श खेत्रपाल ताशा भामरा के साथ पटकटा को सह लेखन किया। साथ ही सामजी ने हिंदी संस्करण की पटकथा और संवादों को अपनाया। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी जबकि प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई। लक्ष्मी को मूल रूप से 22 मई 2020 को एक नाटकीय रिलीज के निर्धारित किया गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। बाद में इसे दुनिया भर में 9 नवंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया। इस प्रकार यह एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली बड़ी बजट वाली भारतीय फिल्म बन गई और थिएटर में रिलीज होने के दौरान भारत में नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हुई। संयुक्त अरब इमारात फिजी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसे आलोचकों और दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। लेखक पटकथा कथन और अधिकांश प्रार्थनाओं की आलोचना की गई हालांकि अक्षय कुमार और शरद केलकर की प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। आसिफ को भूतों पर विश्वास नहीं है वह अपनी पत्नी रश्मि और अपने दिवंगत भाई के बेटे शान के साथ रहता है। वह रश्मि के माता पिता रतन और सचिन के घर उनकी रजत जयंती के लिए आमंत्रित है। रश्मि के पिता ने दंपत्ति और को अस्वीकार कर दिया क्योंकि रश्मि अपने माता पिता की अनुमति के बिना आसिफ के साथ रहने लगी थी लेकिन उसकी माँ उनके प्रति दयालु है। पहुँचने पर आसिफ और उनके परिवार को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है लेकिन किसी को चोट नहीं लगती है। वे रश्मि के भाई दीपक और उसकी पत्नी अश्विनी से मिलते हैं। आसिफ और शान का दौरा मैदान माना जाता है। जब वह मैदान के स्टंप लगा रहे थे तो स्टंप एक दबे शरीर से टकराता है। शरीर में रक्त स्टॉप पर मिलता है और आसिफ उन्हें धोता है। खून को लेमन ग्रास प्लांट में फेंक दिया जाता है। रत्ना अश्विनी और दीपक सभी को अलौकिक अनुभव है। रत्ना और अश्विनी एक पुजारी से मिलते हैं। वह उन्हें भूत की उपस्थिति को स्थापित करने के तीन तरीके बताता है। जब उसने तीन चरणों का उल्लेख किया तो यह पुष्टि करता है कि घर में एक आत्मा है। आसिफ उसी पौधे के साथ एक लेमन ग्रास चाय बनाता है जहाँ रक्त धोया जाता है। जब वह इसे पीता है तो भूत उसके पास होता है और वह पवित्र काम करना शुरू कर देता है। परिवार उसका सामना करता है और यह पता चलता है कि तीन भूतों ने उसे रखा है। एक हिंसक ट्रांजिस्टर महिला, एक आदमी और एक मानसिक रूप से विकलांग लड़का। आसिफ का परिवार एक ओझा का को काम पर रखता है जो अपने शरीर से आत्मा को निकालता है। फंसी महिला का भूत उसकी कहानी का खुलासा करता है। लक्ष्मण शर्मा उर्फ लक्ष्मी एक ट्रांसजेंडर महिला है जिसे उसके पिता
ने अस्वीकार कर दिया। उसे अब्दुल चाचा नामक एक व्यक्ति द्वारा आश्रय दिया जाता है जिसका बौद्धिक रूप से अक्षम बेटा है। यह देखते हुए कि वह डॉक्टर नहीं बन सकती, वह गीता नाम की एक ट्रांसजेंडर लड़की को गोद लेती है और उसकी आर्थिक मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब गीता विदेश में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए निकलती है तो लक्ष्मी एक कम भूखंड का निर्माण करने के लिए भूमि की खरीद करती है। कुख्यात विधायक गिरजा गैर कानूनी रूप से अपनी संपत्ति ले जाता है। लक्ष्मी गुस्से से गिरजा का सामना करती है जो उसे अब्दुल चाचा और उसके बेटे को मार देते हैं। मरने से पहले वह गिरजा उसकी पत्नी और उसके गुनों को मारने की कसम खाता है। शवों को लक्ष्मी की जमीन में दफनाया गया है। उसकी कहानी सुनने के बाद आसिफ को छू जाती है। खतरे को भापते हुए लक्ष्मी के पास एक बार फिर आसिफ के पास है क्योंकि लक्ष्मी गिरजा का सामना करती है और अपने को बुराई की तरह से निपटाना करती है। गिरजा देवी लक्ष्मी के मंदिर में शरण लेना चाहती है जो लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। आसिफ जबरन गिरजा को बाहर कर देता है और लक्ष्मी उसे मार देती है, उसका प्रतिशोध लेती है। कुछ महीनों बाद आसिफ ने लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार गीता के लिए अस्पताल का निर्माण किया। वह लक्ष्मी और उसके परिवार के साथ भी एकजुट हो जाता है। यह पता चला कि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने के लिए लक्ष्मी आसिफ के शरीर में सहजीवी रूप से मौजूद है। अक्षय कुमार के रूप में अक्षय कुमार, रश्मि राजपूत के रूप में कियारा आडवाणी, आसिफ की पत्नी के रूप में शरद केलकर, राजेश शर्मा, आयशा राजा मिश्रा, मनु ऋषि चड्ढा, अश्विनी कलसेकर, तरुण अरोड़ा, प्राची शाह पांड्या, अद्वैत महाजन, विनीता जोशी, मीर सरवर, विजय उपसर। जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट के सुझाव दिया कि अक्षय कुमार कंचना के रीमेक में अभिनय करेंगे जो राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसके हिंदी संस्करण को प्रतवार करने के लिए भी साइन किया। इस प्रकार बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जबकि कियारा आडवाणी ने महिला प्रधान भूमिका निभाई। फिल्म में भूल भुलैया के एक दशक के बाद कुमार की हॉरर कॉमेडी शैली में वापसी हुई। सूत्रों का दावा किया कि फिल्म के मूल की तरह अलग होंगे। फराज सामजी जिन्होंने अभिनेता की हाउसफुल 4 का निर्देशक किया था, फिल्म के लिए पटकथा लिखी। सूत्रों के साथ दावा किया गया था कि इस काम को पूरा करने में 6 महीने लगे। इस फिल्म ने निर्माता के रूप में तुषार कपूर के अभिनय की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म के अधिकार खरीदे, अपने प्रोडक्शन हाउस को लाइसेंस दिया। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म का शीर्षक था लक्ष्मी बोम के रूप में प्रकट हुआ। कुमार मई 2019 को कुमार की विशेषता वाला यह पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 से शुरू हुई। राघव लॉरेंस के बाद यह फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। मई 2019 में फिल्म छोड़ दी क्योंकि कुमार ने उनसे सलाह किए बिना पहला लुक जारी किया। यह पता चला कि निर्देशक के पास पोस्टर में कोई क्रेडिट नहीं है, जिसके कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। जून 2019 में लॉरेंस ने कुमार के साथ मुच्छों को सुलझाने के लिए के बाद निर्देशक के लिए अपनी वापसी की घोषणा की। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2019 में शुरू हुआ। गीत बुर्ज खलीफा, जिसमें अक्षय कुमार और कियारा थे, को जनवरी 2020 में दुबई में फिल्माया गया था। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन मुंबई में शूट किया गया था 26 जनवरी 2020 को और फिल्मांकन 1 मार्च 2020 को शुरू हुआ। रिहा गीत संगीत रिहा 31 अक्टूबर 2020 रिकॉर्डेड 2019-2020 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 14 मिनट 55 सेकेंड्स भाषा हिंदी लेबल जी म्यूजिक कंपनी। फिल्म का संगीत तनिष्क बागी, शशि डीजे सुखी और
उलमती ने तैयार किया था, जबकि गीत लिखे थे वायु, गगन आहूजा, फरहाद सामजी और इलुमती ने। बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था। गीत बम बोले उसी नाम के गीत का रिमेक था, जिसे मूल कलाकार विरस और अलू बनाती। मूल गीत 2017 के एक्समे म्यूजिक नामक एक स्वतंत्र लेबल पर रिलीज किया गया था और यह एक सुपरहिट गीत है जिसके यूट्यूब पर 200 मिलियन से अधिक दृश्य हैं। गीत माता का जगराता गली बॉय के अपने समय आएगा, गदर का काला चश्मा और मुख्य निकेला लेके एक प्रेम कथा के गीतों का एक मिश्रण है। बुर्ज खलीफा, बम भोले, शुरू करे रोके, माता का जगरात, लक्ष्मी एक 2020 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे राघव लोरेस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो हिंदी फिल्म उद्योग में इनके निर्देशक की पहली फिल्म है। अपने खुद की एक रीमेक तमिल फिल्म कंचना, इसे तारे अक्षय कुमार और किराणा अडवाणी मुख्य भूमिकाओं में, जबकि आशा राजा मिश्रा, राकेश शर्मा, अश्विनी कलसेकर और शरद केलकर निर्णायक भूमिकाओं निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जैसे एक ट्रांजिस्टर व्यक्ति के भूत का सामना करना पड़ता है। निर्देशक राघव लोरेस द्वारा निर्मित फॉक्स स्टार स्टूडियो कैप ऑफ गॉड्स फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा लिखित राघव लोरेस फरहद सामजी स्पेशल छत्रपाल ताशा भामरा पर आधारित कंचना, अभिनीत अक्षय कुमार अडवाणी, संगीत दिया है अमर मोहिले, तनिष्क बागी, श्रीजय डीजे सुखी उल्लू माती, शायंकन वेद्री पलानिमी थंकाना, कृष्णन रविचंद्र खुश चावड़िया द्वारा संपादित, राकेश जी पांडे उत्पादन कंपनी फोक स्टार स्टूडियो केप ऑफ गॉड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा वितरित, डिजनी प्लस हॉटस्टार, रिलीज की तारीख 19 नवंबर 2020, कार्यकारी समय 141 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी। कुमार ने अपने केप ऑफ गॉड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत तुषार कपूर की नई लॉन्च की नई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और शबीना एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म का निर्माण किया। लोरेस ने फरहाद सामजी, आदर्श खेत्रपाल, ताशा भामरा के साथ पटकटा को सह लेखन किया। साथ ही सामजी ने हिंदी संस्करण की पटकथा और संवादों को अपनाया। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई। लक्ष्मी को मूल रूप से 22 मई 2020 को एक नाटकीय रिलीज के निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। बाद में इसे दुनिया भर में 9 नवंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया। इस प्रकार यह एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली बड़ी बजट वाली भारतीय फिल्म बन गई और थिएटर में रिलीज होने के दौरान भारत में नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हुई। संयुक्त अरब इमारात, फिजी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसे आलोचकों और दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। लेखक पटकथा कथन और अधिकांश प्रार्थनाओं की आलोचना की गई, हालांकि अक्षय कुमार और शरद केलकर की प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। आसिफ को भूतों पर विश्वास नहीं है, वह अपनी पत्नी रश्मि और अपने दिवंगत भाई के बेटे शान के साथ रहता है। वह रश्मि के माता पिता रतन और सचिन के घर उनकी रजत जयंती के लिए आमंत्रित है। रश्मि के पिता ने दंपत्ति और को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि रश्मि अपने माता पिता की अनुमति के बिना आसिफ के साथ रहने लगी थी, लेकिन उसकी माँ उनके प्रति दयालु है। पहुँचने पर आसिफ और उनके परिवार को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती है।
वे रश्मि के भाई दीपक और उसकी पत्नी अश्विनी से मिलते हैं। आसिफ और शान का दौरा मैदान माना जाता है। जब वह मैदान के स्टंप लगा रहे थे तो स्टंप एक दबे शरीर से टकराता है। शरीर में रक्त स्टॉप पर मिलता है और आसिफ उन्हें धोता है। खून को लेमन ग्रास प्लांट में फेंक दिया जाता है। रत्ना, अश्विनी और दीपक सभी को अलौकिक अनुभव है। रत्ना और अश्विनी एक पुजारी से मिलते हैं। वह उन्हें भूत की उपस्थिति को स्थापित करने के तीन तरीके बताता है। जब उसने तीन चरणों का उल्लेख किया तो यह पुष्टि करता है कि घर में एक आत्मा है। आसिफ उसी पौधे के साथ एक लेमन ग्रास चाय बनाता है जहाँ रक्त धोया जाता है। जब वह इसे पीता है तो भूत उसके पास आया होता है और वह पवित्र काम करना शुरू कर देता है। परिवार उसका सामना करता है और यह पता चलता है कि तीन भूतों ने उसे रखा है। एक हिंसक ट्रांजिस्टर महिला, एक आदमी और एक मानसिक रूप से विकलांग लड़का। आसिफ का परिवार एक ओझा का को काम पर रखता है जो अपने शरीर से आत्मा को निकालता है। फंसी हुई महिला का भूत उसकी कहानी का खुलासा करता है। लक्ष्मण शर्मा उर्फ लक्ष्मी एक ट्रांसजेंडर महिला है जिसे उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। उसे अब्दुल चाचा नामक एक व्यक्ति द्वारा आश्रय दिया जाता है जिसका बौद्धिक रूप से अक्षम बेटा है। यह देखते हुए कि वह डॉक्टर नहीं बन सकती, वह गीता नाम की एक ट्रांसजेंडर लड़की को गोद लेती है और उसकी आर्थिक मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब गीता विदेश में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए निकलती है तो लक्ष्मी एक कम भूखंड का निर्माण करने के लिए भूमि की खरीद करती है। कुख्यात विधायक गिरजा गैर कानूनी रूप से अपनी संपत्ति ले जाता है। लक्ष्मी गुस्से से गिरजा का सामना करती है जो उसे अब्दुल चाचा और उसके बेटे को मार देते हैं। मरने से पहले वह गिरजा उसकी पत्नी और उसके गुनों को मारने की कसम खाता है। शवों को लक्ष्मी की जमीन में दफनाया गया है। उसकी कहानी सुनने के बाद आसिफ को छू जाती है। खतरे को भापते हुए लक्ष्मी के पास एक बार फिर आसिफ के पास है क्योंकि लक्ष्मी गिरजा का सामना करती है और अपने को बुराई की तरह से निपटाना करती है। गिरजा देवी लक्ष्मी के मंदिर में शरण लेना चाहती है जो लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। आसिफ जबरन गिरजा को बाहर कर देता है और लक्ष्मी उसे मार देती है, उसका प्रतिशोध लेती है। कुछ महीनों बाद आसिफ ने लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार गीता के लिए अस्पताल का निर्माण किया। वह लक्ष्मी और उसके परिवार के साथ भी एकजुट हो जाता है। यह पता चला कि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने के लिए लक्ष्मी आसिफ के शरीर में सहजीवी रूप से मौजूद है। अक्षय कुमार के रूप में अक्षय कुमार, रश्मि राजपूत के रूप में कियारा आडवाणी, आसिफ की पत्नी के रूप में शरद केलकर, राजेश शर्मा, आयशा राजा मिश्रा, मनु ऋषि चड्डा, अश्विनी कलसेकर, तरुण अरोड़ा, प्राची शाह पांड्या, अद्वैत महाजन, विनीता जोशी, मीर सरवर, विजय उपसर। जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट के सुझाव दिया कि अक्षय कुमार कंचना के रीमेक में अभिनय करेंगे जो राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसके हिंदी संस्करण को प्रतवार करने के लिए भी साइन किया। इस प्रकार बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जबकि कियारा आडवाणी ने महिला प्रधान भूमिका निभाई। फिल्म में भूल भुलैया के एक दशक के बाद कुमार की हॉरर कॉमेडी शैली में वापसी हुई। सूत्रों का दावा किया कि फिल्म के मूल की तरह अलग होंगे। फराज सामजी जिन्होंने अभिनेता की हाउसफुल 4 का निर्देशक किया था, फिल्म के लिए पटकथा लिखी। सूत्रों के साथ दावा किया गया था कि इस काम को पूरा करने में 6 महीने लगे। इस फिल्म ने निर्माता के रूप में तुषार कपूर के अभिनय की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म के अधिकार खरीदे, अपने प्रोडक्शन हाउस को लाइसेंस दिया। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म का शीर्षक था लक्ष्मी बॉम्ब के
रूप में प्रकट हुआ। कुमार मई 2019 को कुमार की विशेषता वाला यह पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 से शुरू हुई। रागल लोवर्स के बाद यह फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। मई 2019 में फिल्म छोड़ दी क्योंकि कुमार ने उनसे सलाह किए बिना पहला लुक जारी किया। यह पता चला कि निर्देशक के पास पोस्टर में कोई क्रेडिट नहीं है, जिसके कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। जून 2019 में लोरिस ने कुमार के साथ मुच्छों को सुलझाने के लिए के बाद निर्देशक के लिए अपनी वापसी की घोषणा की। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2019 में शुरू हुआ। गीत बुर्ज खलीफा, जिसमें अक्षय कुमार और कियारा थे, को जनवरी 2020 में दुबई में फिल्माया गया था। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन मुंबई में शूट किया गया था 26 जनवरी 2020 को और फिल्मांकन 1 मार्च 2020 को शुरू हुआ। रिहा गीत संगीत रिहा 31 अक्टूबर 2020 रिकॉर्डेड 2019-2020 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 14 मिनट 57 सेकंड्स भाषा हिंदी लेबल जी म्यूजिक कंपनी। फिल्म का संगीत तनिष्क बागी शशि डीजे सुखी और उलमती ने तैयार किया था, जबकि गीत लिखे थे वायु गगन आहूजा फरहाद सामजी और इलुमती ने। बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था। गीत बम बोले उसी नाम के गीत का रिमेक था, जिसे मूल कलाकार विरस और अलू बनाती मूल गीत 2017 के एक्समे म्यूजिक नामक एक स्वतंत्र लेबल पर रिलीज किया गया था और यह एक सुपरहिट गीत है जिसके यूट्यूब पर 200 मिलियन से अधिक दृश्य हैं। गीत माता का जगराता गली बॉय के अपने समय आएगा, गदर का काला चश्मा और मुख्य निकेला लेके एक प्रेम कथा के गीतों का एक मिश्रण है। बुर्ज खलीफा बम भोले शुरू करे रोके माता का जगरात लक्ष्मी एक 2020 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे राघव लोरेस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो हिंदी फिल्म उद्योग में इनके निर्देशक की पहली फिल्म है। अपने खुद की एक रीमेक तमिल फिल्म कंचना इसे तारे अक्षय कुमार और किराड़ा अडवाणी मुख्य भूमिकाओं में, जबकि आशा राजा मिश्रा राकेश शर्मा अश्विनी कलसेकर और शरद केलकर निर्णायक भूमिकाओं निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जैसे एक ट्रांजिस्टर व्यक्ति के भूत का सामना करना पड़ता है। निर्देशक राघव लोरेस द्वारा निर्मित फॉक्स स्टार स्टूडियो कैप ऑफ गॉड्स फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा लिखित राघव लोरेस फरहद सामजी स्पेशल छत्रपाल ताशा भामरा पर आधारित कंचना अभिनीत अक्षय कुमार अडवाणी संगीत दिया है अमर मोहिले तनिष्क बागी शीजे डीजे सुखी उल्लू माती शयंकन वेद्री पलानिमी थंकाना कृष्णन रविचंद्र खुश चावड़िया द्वारा संपादित राकेश जी पांडे उत्पादन कंपनी फोक्स स्टार स्टूडियो केप ऑफ गॉड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा वितरित डिजनी प्लस हॉटस्टार रिलीज की तारीख 19 नवंबर 2020 कार्यकारी समय 141 मिनट देश भारत भाषा हिंदी। कुमार ने अपने केप ऑफ गॉड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत तुषार कपूर की नई लॉन्च की नई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और शबीना एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म का निर्माण किया। लोरेस ने फरहाद सामजी आदर्श खेत्रपाल ताशा भामरा के साथ पटकटा को सह लेखन किया। साथ ही सामजी ने हिंदी संस्करण की पटकथा और संवादों को अपनाया। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई।
लक्ष्मी को मूल रूप से 22 मई 2020 को एक नाटकीय रिलीज के निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। बाद में इसे दुनिया भर में 9 नवंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया। इस प्रकार यह एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली बड़ी बजट वाली भारतीय फिल्म बन गई और थिएटर में रिलीज होने के दौरान भारत में नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हुई। संयुक्त अरब इमारात, फिजी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसे आलोचकों और दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। लेखक पटकथा कथन और अधिकांश प्रार्थनाओं की आलोचना की गई, हालांकि अक्षय कुमार और शरद केलकर की प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। आसिफ को भूतों पर विश्वास नहीं है। वह अपनी पत्नी रश्मि और अपने दिवंगत भाई के बेटे शान के साथ रहता है। वह रश्मि के माता पिता रतन और सचिन के घर उनकी रजत जयंती के लिए आमंत्रित है। रश्मि के पिता ने दंपत्ति और को अस्वीकार कर दिया क्योंकि रश्मि अपने माता पिता की अनुमति के बिना आसिफ के साथ रहने लगी थी, लेकिन उसकी माँ उनके प्रति दयालु है। पहुँचने पर आसिफ और उनके परिवार को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती है। वे रश्मि के भाई दीपक और उसकी पत्नी अश्विनी से मिलते हैं। आसिफ और शान का दौरा मैदान माना जाता है। जब वह मैदान के स्टंप लगा रहे थे तो स्टंप एक दबे शरीर से टकराता है, शरीर में रक्त स्टॉप पर मिलता है और आसिफ उन्हें धोता है। खून को लेमन ग्रास प्लांट में फेंक दिया जाता है। रत्ना, अश्विनी और दीपक सभी को अलौकिक अनुभव है। रत्ना और अश्विनी एक पुजारी से मिलते हैं। वह उन्हें भूत की उपस्थिति को स्थापित करने के 3 तरीके बताता है। जब उसने 3 चरणों का उल्लेख किया तो यह पुष्टि करता है कि घर में एक आत्मा है। आसिफ उसी पौधे के साथ एक लेमन ग्रास चाय बनाता है जहाँ रक्त धोया जाता है। जब वह इसे पीता है तो भूत उसके पास आया होता है और वह पवित्र काम करना शुरू कर देता है। परिवार उसका सामना करता है और यह पता चलता है कि 3 भूतों ने उसे रखा है, एक हिंसक ट्रांजिस्टर महिला, एक आदमी और एक मानसिक रूप से विकलांग लड़का। आसिफ का परिवार एक ओझा का को काम पर रखता है जो अपने शरीर से आत्मा को निकालता है। फंसी महिला का भूत उसकी कहानी का खुलासा करता है। लक्ष्मण शर्मा उर्फ लक्ष्मी एक ट्रांसजेंडर महिला है जिसे उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। उसे अब्दुल चाचा नामक एक व्यक्ति द्वारा आश्रय दिया जाता है जिसका बौद्धिक रूप से अक्षम बेटा है। यह देखते हुए कि वह डॉक्टर नहीं बन सकती, वह गीता नाम की एक ट्रांसजेंडर लड़की को गोद लेती है और उसकी आर्थिक मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब गीता विदेश में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए निकलती है तो लक्ष्मी एक कम भूखंड का निर्माण करने के लिए भूमि की खरीद करती है। कुख्यात विधायक गिरजा गैर कानूनी रूप से अपनी संपत्ति ले जाता है। लक्ष्मी गुस्से से गिरजा का सामना करती है जो उसे अब्दुल चाचा और उसके बेटे को मार देते हैं। मरने से पहले वह गिरजा उसकी पत्नी और उसके गुनों को मारने की कसम खाता है। शवों को लक्ष्मी की जमीन में दफनाया गया है। उसकी कहानी सुनने के बाद आसिफ को छू जाती है। खतरे को भापते हुए लक्ष्मी के पास एक बार फिर आसिफ के पास है क्योंकि लक्ष्मी गिरजा का सामना करती है और अपने को बुराई की तरह से निपटाना करती है। गिरजा देवी लक्ष्मी के मंदिर में शरण लेना चाहती है जो लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। आसिफ जबरन गिरजा को बाहर कर देता है और लक्ष्मी उसे मार देती है, उसका प्रतिशोध लेती है। कुछ महीनों बाद आसिफ ने लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार गीता के लिए अस्पताल का निर्माण किया। वह लक्ष्मी और उसके परिवार के साथ भी एकजुट हो जाता है। यह पता चला कि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने के लिए लक्ष्मी आसिफ के शरीर में सहजीवी रूप से मौजूद है। अक्षय कुमार के रूप में अक्षय कुमार, रश्मि राजपूत के रूप में कियारा आडवाणी, आसिफ आसिफ की पत्नी
आसिफ की पत्नी के रूप में, शरद केलकर, राजेश शर्मा, आयशा राजा मिश्रा, मनु ऋषि चड्ढा, अश्विनी कलसेकर, तरुण अरोड़ा, प्राची शाह पांड्या, अद्वैत महाजन, विनीता जोशी, मीर सरवर, विजय उपसर। जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट के सुझाव दिया कि अक्षय कुमार कंचना के रीमेक में अभिनय करेंगे, जो राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसके हिंदी संस्करण को प्रतवार करने के लिए भी साइन किया। इस प्रकार बॉलीवुड में अपने शुरुआत की, जबकि कियारा आडवाणी ने महिला प्रधान भूमिका निभाई। फिल्म में भूल भुलैया के एक दशक के बाद कुमार की हॉरर कॉमेडी शैली में वापसी हुई। सूत्रों का दावा किया कि फिल्म के मूल की तरह अलग होंगे फरहाद सामजी, जिन्होंने अभिनेता की हाउसफुल 4 का निर्देशक किया था, फिल्म के लिए पटकथा लिखी। सूत्रों के साथ दावा किया गया था कि इस काम को पूरा करने में 6 महीने लगे। इस फिल्म ने निर्माता के रूप में तुषार कपूर के अभिनय की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म के अधिकार खरीदे, अपने प्रोडक्शन हाउस को लाइसेंस दिया। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म का शीर्षक था लक्ष्मी बॉम्ब के रूप में प्रकट हुआ। कुमार मई 2019 को कुमार की विशेषता वाला यह पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 से शुरू हुई। राघव लॉरेंस के बाद यह फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। मई 2019 में फिल्म छोड़ दी क्योंकि कुमार ने उनसे सलाह किए बिना पहला लुक जारी किया। यह पता चला कि निर्देशक के पास पोस्टर में कोई क्रेडिट नहीं है, जिसके कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। जून 2019 में लॉरेंस ने कुमार के साथ मुच्छों को सुलझाने के बाद निर्देशक के लिए अपनी वापसी की घोषणा की। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2019 में शुरू हुआ। गीत बुर्ज खलीफा, जिसमें अक्षय कुमार और कियारा थे, को जनवरी 2020 में दुबई में फिल्माया गया था। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन मुंबई में शूट किया गया था 26 जनवरी 2020 को और फिल्मांकन 1 मार्च 2020 को शुरू हुआ। रिहा गीत संगीत रिहा 31 अक्टूबर 2020, रिकॉर्डेड 2019-2020। शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 14 मिनट 57 सेकेंड्स, भाषा हिंदी, लेबल जी म्यूजिक कंपनी। फिल्म का संगीत तनिष्क बागी, शशि, डीजे सुखी और उल मती ने तैयार किया था, जबकि गीत लिखे थे वायु, गगन आहूजा, फरहाद सामजी और इलुमती ने। बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था। गीत बम बोले उसी नाम के गीत का रीमेक था, जिसे मूल कलाकार विरस और अलू बनाती मूल गीत 2017 के एक्समे म्यूजिक नामक एक स्वतंत्र लेबल पर रिलीज किया गया था और यह एक सुपरहिट गीत है, जिसके यूट्यूब पर 200 मिलियन से अधिक दृश्य हैं। गीत माता का जगराता गली बॉय के अपने समय आएगा, गदर का काला चश्मा और मुख्य निकेला लेके एक प्रेम कथा के गीतों का एक मिश्रण है। बुर्ज खलीफा, बम भोले, शुरू करे रोके, माता का जगरात, लक्ष्मी एक 2020 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसे राघव लॉरेंस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो हिंदी फिल्म उद्योग में इनके निर्देशक की पहली फिल्म है। अपने खुद की एक रीमेक तमिल फिल्म कंचना, इसे तारे अक्षय कुमार और किराना अडवाणी द्वारा मुख्य भूमिकाओं में, जबकि आशा राजा मिश्रा, राकेश शर्मा, अश्विनी कलसेकर और शरद केलकर निर्णायक भूमिकाओं निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे एक ट्रांजिस्टर व्यक्ति के भूत का सामना करना पड़ता है। निर्देशक राघव लॉरेंस द्वारा निर्मित फॉक्स स्टार स्टूडियो के पॉप गॉड्स फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट, तुषार एंटरटेनमेंट द्वारा लिखित राघव लॉरेंस, फरहद सामजी स्पेशल, छत्रपाल, ताशा भमरा।
पर आधारित कंचना अभिनीत अक्षय कुमार अडवाणी संगीत दिया है अमर मोहिले तनिष्क बागी शीजे डीजे सुखी उल्लू माती शयंकर वेद्री पलानिमी थंकाना कृष्णन रविचंद्र कुश चावड़िया द्वारा संपादित राकेश जी पांडे उत्पादन कंपनी फोक्स स्टार स्टूडियो केप ऑफ गॉड फिल्म्स सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा वितरित डिजनी प्लस हॉटस्टार रिलीज की तारीख 19 नवंबर 2020 कार्यकारी समय 141 मिनट देश भारत भाषा हिंदी कुमार ने अपने केप ऑफ गॉड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत तुषार कपूर की नई लॉन्च की नई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और शबीना एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म का निर्माण किया। लॉरेंस ने फरहाद सामजी आदर्श खेत्रपाल ताशा भांबरा के साथ पटकटा को सह लेखन किया। साथ ही सामजी ने हिंदी संस्करण की पटकथा और संवादों को अपनाया। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी जबकि प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई। लक्ष्मी को मूल रूप से 22 मई 2020 को एक नाटकीय रिलीज के निर्धारित किया गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। बाद में इसे दुनिया भर में 9 नवंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया। इस प्रकार यह एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली बड़ी बजट वाली भारतीय फिल्म बन गई और थिएटर में रिलीज होने के दौरान भारत में नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हुई। संयुक्त अरब इमारात फिजी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसे आलोचकों और दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। लेखक पटकथा कथन और अधिकांश प्रार्थनाओं की आलोचना की गई हालांकि अक्षय कुमार और शरद केलकर की प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। आसिफ को भूतों पर विश्वास नहीं है। वह अपनी पत्नी रश्मि और अपने दिवंगत भाई के बेटे शान के साथ रहता है। वह रश्मि के माता पिता रतन और सचिन के घर उनकी रजत जयंती के लिए आमंत्रित है। रश्मि के पिता ने दंपत्ति और को अस्वीकार कर दिया क्योंकि रश्मि अपने माता पिता की अनुमति के बिना आसिफ के साथ रहने लगी थी लेकिन उसकी माँ उनके प्रति दयालु है। पहुंचने पर आसिफ और उनके परिवार को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है लेकिन किसी को चोट नहीं लगती है। वे रश्मि के भाई दीपक और उसकी पत्नी अश्विनी से मिलते हैं। आसिफ और शान का दौरा मैदान माना जाता है। जब वह मैदान के स्टंप लगा रहे थे तो स्टंप एक दबे शरीर से टकराता है। शरीर में रक्त स्टॉप पर मिलता है और आसिफ उन्हें धोता है। खून को लेमन ग्रास प्लांट में फेंक दिया जाता है। रत्ना अश्विनी और दीपक सभी को अलौकिक अनुभव है। रत्ना और अश्विनी एक पुजारी से मिलते हैं। वह उन्हें भूत की उपस्थिति को स्थापित करने के तीन तरीके बताता है। जब उसने तीन चरणों का उल्लेख किया तो यह पुष्टि करता है कि घर में एक आत्मा है। आसिफ उसी पौधे के साथ एक लेमन ग्रास चाय बनाता है जहाँ रक्त धोया जाता है। जब वह इसे पीता है तो भूत उसके पास आया होता है और वह पवित्र काम करना शुरू कर देता है। परिवार उसका सामना करता है और यह पता चलता है कि तीन भूतों ने उसे रखा है। एक हिंसक ट्रांजिस्टर महिला, एक आदमी और एक मानसिक रूप से विकलांग लड़का। आसिफ का परिवार एक ओझा का को काम पर रखता है जो अपने शरीर से आत्मा को निकालता है। फंसी महिला का भूत उसकी कहानी का खुलासा करता है। लक्ष्मण शर्मा उर्फ लक्ष्मी एक ट्रांसजेंडर महिला है जिसे उसके पिता ने अस्वीकार कर दिया। उसे अब्दुल चाचा नामक एक व्यक्ति द्वारा आश्रय दिया जाता है जिसका बौद्धिक रूप से अक्षम बेटा है। यह देखते हुए कि वह डॉक्टर नहीं बन सकती, वह गीता नाम की एक ट्रांसजेंडर लड़की को गोद लेती है और उसकी आर्थिक मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। जब गीता विदेश में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए निकलती है तो
लक्ष्मी एक कम भूखंड का निर्माण करने के लिए भूमि की खरीद करती है। कुख्यात विधायक गिरजा गैर कानूनी रूप से अपनी संपत्ति ले जाता है। लक्ष्मी गुस्से से गिरजा का सामना करती है, जो उसे अब्दुल चाचा और उसके बेटे को मार देते हैं। मरने से पहले वह गिरजा उसकी पत्नी और उसके गुनों को मारने की कसम खाता है। शवों को लक्ष्मी की जमीन में दफनाया गया है। उसके कान सुनने के बाद आसिफ को छू जाती है। खतरे को भापते हुए लक्ष्मी के पास एक बार फिर आसिफ के पास है, क्योंकि लक्ष्मी गिरजा का सामना करती है और अपने को बुराई की तरह से निपटाना करती है। गिरजा देवी लक्ष्मी के मंदिर में शरण लेना चाहती है, जो लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। आसिफ जबरन गिरजा को बाहर कर देता है और लक्ष्मी उसे मार देती है, उसका प्रतिशोध लेती है। कुछ महीनों बाद आसिफ ने लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार गीता के लिए अस्पताल का निर्माण किया। वह लक्ष्मी और उसके परिवार के साथ भी एकजुट हो जाता है। यह पता चला कि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने के लिए लक्ष्मी आसिफ के शरीर में सहजीवी रूप से मौजूद है। अक्षय कुमार के रूप में अक्षय कुमार, रश्मि राजपूत के रूप में कियारा आडवाणी, आसिफ की पत्नी के रूप में शरद केलकर, राजेश शर्मा, आयशा राजा मिश्रा, मनु ऋषि चड्ढा, अश्विनी कलसेकर, तरुण अरोड़ा, प्राची शाह पांड्या, अद्वैत महाजन, विनीता जोशी, मीर सरवर, विजय उपसर। जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट के सुझाव दिया कि अक्षय कुमार कंचना के रीमेक में अभिनय करेंगे, जो राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित है, जिन्होंने इसके हिंदी संस्करण को प्रतवार करने के लिए भी साइन किया। इस प्रकार बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जबकि कियारा आडवाणी ने महिला प्रधान भूमिका निभाई। फिल्म में भूल भुलैया के एक दशक के बाद कुमार की हॉरर कॉमेडी शैली में वापसी हुई। सूत्रों का दावा किया कि फिल्म के मूल की तरह अलग होंगे। फराज सामजी, जिन्होंने अभिनेता की हाउसफुल 4 का निर्देशक किया था, फिल्म के लिए पटकथा लिखी। सूत्रों के साथ दावा किया गया था कि इस काम को पूरा करने में 6 महीने लगे। इस फिल्म ने निर्माता के रूप में तुषार कपूर के अभिनय की शुरुआत की, जिन्होंने फिल्म के अधिकार खरीदे, अपने प्रोडक्शन हाउस को लाइसेंस दिया। 22 अप्रैल 2019 को फिल्म का शीर्षक था लक्ष्मी बोम के रूप में प्रकट हुआ। कुमार मई 2019 को कुमार की विशेषता वाला यह पोस्टर जारी किया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 22 अप्रैल 2019 से शुरू हुई। राघव लॉरेंस के बाद यह फिल्म विवादों के घेरे में आ गई। मई 2019 में फिल्म छोड़ दी, क्योंकि कुमार ने उनसे सलाह किए बिना पहला लुक जारी किया। यह पता चला कि निर्देशक के पास पोस्टर में कोई क्रेडिट नहीं है, जिसके कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। जून 2019 में लॉरेंस ने कुमार के साथ मुच्छों को सुलझाने के लिए के बाद निर्देशक के लिए अपनी वापसी की घोषणा की। फिल्म का दूसरा शेड्यूल अगस्त 2019 में शुरू हुआ। गीत बुर्ज खलीफा, जिसमें अक्षय कुमार और कियारा थे, को जनवरी 2020 में दुबई में फिल्माया गया था। फिल्म का क्लाइमेक्स सीन मुंबई में शूट किया गया था 26 जनवरी 2020 को और फिल्मांकन 1 मार्च 2020 को शुरू हुआ। रिहा गीत संगीत, रिहा 31 अक्टूबर 2020 रिकॉर्डेड 2019-2020 शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 14 मिनट 57 सेकंड्स, भाषा हिंदी, लेबल जी म्यूजिक कंपनी। फिल्म का संगीत तनिष्क बागी, शशि, डीजे सुखी और उलमती ने तैयार किया था, जबकि गीत लिखे थे वायु, गगन आहूजा, फरहाद सामजी और इलुमती ने। बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचित था। गीत बम भोले उसी नाम के गीत का रिमेक था, जिसे मूल कलाकार विरस और अलू बनाती मूल गीत 2017 के
लक्ष्मी म्यूजिक नामक एक स्वतंत्र लेबल पर रिलीज किया गया था और यह एक सुपरहिट गीत है जिसके यूट्यूब पर 200 मिलियन से अधिक दृश्य हैं। गीत माता का जगराता गली बॉय के अपने समय आएगा, गदर का काला चश्मा और मुख्य निकेला लेके एक प्रेम कथा के गीतों का एक मिश्रण है। लक्ष्मी एक 2020 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसे राघव लोरेस द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो हिंदी फिल्म उद्योग में इनके निर्देशक की पहली फिल्म है। अपने खुद की एक रीमेक तमिल फिल्म कंचना इसे तारे अक्षय कुमार और किराना अडवाणी द्वारा मुख्य भूमिकाओं में, जबकि आशा राजा मिश्रा, राकेश शर्मा, अश्विनी कलसेकर और शरद केलकर निर्णायक भूमिकाओं निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जैसे एक ट्रांजिस्टर व्यक्ति के भूत का सामना करना पड़ता है। निर्देशक राघव लोरेस द्वारा निर्मित फॉक्स स्टार स्टूडियो के पॉप गॉड्स फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट द्वारा लिखित राघव लॉरेंस फरहद सामजी स्पेशल छत्रपाल ताशा बमरा पर आधारित कंचना अभिनीत अक्षय कुमार अडवाणी संगीत दिया है अमर मोहिले तनिष्क बागी श्रीजय डीजे सुखी उल्लू माती शयंकन वेद्री परानवी थंकाना कृष्णन रविचंद्र कुश चावड़िया द्वारा संपादित राकेश जी पांडे उत्पादन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो केप ऑफ गॉड फिल्म सबीना एंटरटेनमेंट तुषार एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा वितरित डिज्नी प्लस हॉटस्टार रिलीज की तारीख 19 नवंबर 2020 कार्यकारी समय 141 मिनट देश भारत भाषा हिंदी। कुमार ने अपने केप ऑफ गॉड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टूडियोज के तहत तुषार कपूर की नई लॉन्च की नई प्रोडक्शन कंपनी तुषार एंटरटेनमेंट हाउस और शबीना एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म का निर्माण किया। लॉरेंस ने फरहाद सामजी आदर्श खेत्रपाल ताशा बांबरा के साथ पटकटा को सह लेखन किया। साथ ही सामजी ने हिंदी संस्करण की पटकथा और संवादों को अपनाया। फिल्म की घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी जबकि प्रमुख फोटोग्राफी अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई। लक्ष्मी को मूल रूप से 22 मई 2020 को एक नाटकीय रिलीज के निर्धारित किया गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। बाद में इसे दुनिया भर में 9 नवंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से डिजिटल रूप से स्ट्रीम किया गया। इस प्रकार यह एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली बड़ी बजट वाली भारतीय फिल्म बन गई और थिएटर में रिलीज होने के दौरान भारत में नाटकीय रूप से रिलीज नहीं हुई। संयुक्त अरब इमारात फिजी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसे आलोचकों और दर्शकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। लेखक पटकथा कथन और अधिकांश प्रार्थनाओं की आलोचना की गई हालांकि अक्षय कुमार और शरद केलकर की प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। आसिफ को भूतों पर विश्वास नहीं है, वह अपनी पत्नी रश्मि और अपने दिवंगत भाई के बेटे शान के साथ रहता है। वह रश्मि के माता पिता रतन और सचिन के घर उनकी रजत जयंती के लिए आमंत्रित है। रश्मि के पिता ने दंपत्ति और को अस्वीकार कर दिया क्योंकि रश्मि अपने माता पिता की अनुमति के बिना आसिफ के साथ रहने लगी थी लेकिन उसकी माँ उनके प्रति दयालु है। पहुंचने पर आसिफ और उनके परिवार को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है लेकिन किसी को चोट नहीं लगती है। वे रश्मि के भाई दीपक और उसकी पत्नी अश्विनी से मिलते हैं। आसिफ और शान का दौरा मैदान माना जाता है। जब वह मैदान के स्टंप लगा रहे थे तो स्टंप एक दबे शरीर से टकराता है, शरीर में रक्त स्टॉप पर मिलता है और आसिफ उन्हें धोता है। खून को लेमन ग्रास प्लांट में फेंक दिया जाता है। रत्ना अश्विनी और दीपक सभी को अलौकिक अनुभव है।
रत्ना और अश्विनी एक पुजारी से मिलते हैं। वह उन्हें भूत की उपस्थिति को स्थापित करने के तीन तरीके बताता है। जब उसने तीन चरणों का उल्लेख किया तो यह पुष्टि करता है कि घर में एक आत्मा है। आसिफ उसी पौधे के साथ एक लेमन ग्रास चाय बनाता है जहाँ रक्त रक्त धोया जाता है। जब वह इसे पीता है तो भूत उसके पास आया होता है और वह पवित्र काम करना शुरू कर देता है। परिवार उसको तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी को नई वीडियो में, और इससे पहले हम जाए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।